वै पुंसं परो धर्मो यतो भुक्तिरधुक्कजे अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसं परो धर्मो यतो भुक्तिरधुक्कजे अहेतुकी अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति। श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, जब तक पूर्ण शरणागति सिद्ध ना हो जाए चैतन्य चरण में, जब तक शत प्रतिशत 100% शरणागति सिद्ध ना हो जाए, तब तक वो व्यक्ति एब्सोल्यूट के बारे में खुल्ला खुल्ला बात नहीं कर पाता। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद गौरी गोष्ठीपति ने बताए, जब तक 100% शरणागति गुरुचरण में अर्थात गौरंग चरण में शरणागति सिद्ध ना हो जाए, तब तक वो अप्राकृत विषय में एब्सोल्यूट का बारे में बात करने में समर्थ नहीं होगा, भयभीत हो जाएगा। शरणागति का बाद सनातन धर्म का विषय में ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है, इसलिए पहले ही बात को उठाया। धर्म मूलम ही विष्णु, ये सब बातें चर्चा की गई है पहले। शरणागति के बारे में जब ये चर्चा आया तो पहले का जो चर्चा अधूरा रह गया था वो भी खुल्ला खुल्ला कर दे, पहले उसका बात देखी जाए। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे अकारण, बंगाली में है लेकिन समझ सकते हो आप, बड़ा इजी। आश्रय लोइया भजे तारे कृष्ण नहीं तेजे आर सब मरे अकारण, जो गुरुचरण में अर्थात गौरांग चरण में, क्यों सदगुरु चरण में शरणागत सिद्ध ना हो जाए, तो गुरुचरण में सिद्ध ना होए तो गौरांग चरण, व्हाट टू स्पीक अबाउट गौरांग चरण, होगा नहीं। ये प्रोसीड्योर है, भगवान का चरण में डायरेक्ट शरणागति होने जाए कोई, वो कैसे करे, मीडिया चाहिए, बिना गुरु होगा नहीं। और गुरुचरण में शरणागति जो गौरांग को हृदय में पकड़ के रखा है, गौरांग चरण कमल हृदय के रखा है, वैसा गुरु गुरुचरण में शरणागति हो जाने का साथ साथ गौरांग चरण में शरणागति भी सिद्ध हो जाता है। और ये जो शरणागति है ये भजन का सबसे बड़ा पहला चीज़ है, फाउंडेशन है। ये शरणागति छोड़कर कुछ हो नहीं पाता, भजन शुरुआत नहीं होता। आश्रय लिया भजे, आश्रय लेने का बाद जब आया है तो आश्रय भगवत चरण में अर्थात गौरंग चरण में आश्रय लेने का बाद अभी आया, तो भगवत चरण में डायरेक्टली आश्रय लेने का कोई बात है नहीं, होता नहीं। जब भी कोई आश्रय लेने का बाद आता है तो भक्तों का माध्यम में भगवान का चरण में आश्रय लेना ये ठीक प्रोसीड्योर है, बाकी असंभव है, होता नहीं। और शरणागति का जो गुप्त रहस्य ये सब कोई के हृदय में प्रकाशित नहीं हो पाता, वो समझते हैं हम भी शरणागत हो गया, ये एक मजे का बात नहीं है, नॉट ए मैटर ऑफ जोक। आश्रय लैया भजे ये बात कोई नॉट ए मैटर ऑफ जोक, आपके सामने ये इस बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए, अगर आपका अनुभव में आए ठाकुर जी का कृपा से तब आप समझोगे जे हमारा शरणागति आज तक सिद्ध नहीं हुआ। जब
शरणागति 100% हो जाता है गुरुचरण में तो दीक्षा भी पूरा हो जाए, उसमें क्या गलती है। यही तो बताया ना चैतन्य चरिता में, तो यही तो बताया दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले गुरु कृष्ण तारे करे आत्मसम, यही तो बोला ना। तो सो साइमल्टेनियस सब इंटरलिंक है लॉजिक गेट का माफिक, एक खराब हो जाएगा बाकी सब खराब, कुछ नहीं होगा। यहाँ जो बात आता है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, यहाँ बहुत सारे कंट्राडिक्शन आ सकता है, बहुत सारे बहस तर्क आ जाएगा। महाराज चैतन्य चरितमृत में तुम्हें बताया जिस भक्तों का जिस व्यक्ति का गुरुचरण आश्रय लेने का साथ साथ शरणागति सिद्ध हो जाए, ये बड़ा अद्भुत चीज़ है। क्योंकि पहले तो बात ये है तुम संसार में जो अभी रह रहे हो संसार का चीज़ें तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम गुरुचरण में कैसे आश्रय लिए। भले महाराज ये भी चलेगा वो भी चलेगा, दिस इज़ द फ्लैट फिलोसॉफी। जैसा मार्केट में फ्लैट रेट में बिक्री होता है ना सामान ऐसा है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आश्रय लेने का बात तो तब आता है जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पैदा होता है, अथातो शब्द जिज्ञासा आत्मजिज्ञासा, तब आश्रय लेने का बात। ये कोई मामूली ना आजा 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 दीक्षा ले ले आ, हो गया गुरु जी आया, ये दीक्षा नहीं, ऐसा दीक्षा नहीं होता। जो दीक्षा ले वो अगर अनुभव करे अंदर में हमको जरूरी है ठाकुर जी, हमको संसार सागर पार करके जाना है, सनातन धर्म का बेसिक चीज़ मिलावटी नहीं चलेगा। ही कैन फील इट नेसरी, अंतर से ट्रिमेंडस चाहत पैदा होगा कि हमको ठाकुर जी चाहिए, हमने देख लिया संसार, एनाफ ऑफ इट, हमने देख लिया संसार क्या वस्तु है, हमको संसार नहीं चाहिए। लेकिन संसार छोड़े कहाँ जाएगा, इधर ही है। लेकिन मन उब गया संसार से, मन पूरा उब गया और गुरुचरण में लग गया। इस समय गुरुचरण में आश्रय लेने का बात आता है, गुरु जी भी उस जीवात्मा को कृपा करके मंत्र देता है हरिनाम देता है। उस समय में वो जीवात्मा का अंदर में जितना पर्सन शरणागत सिद्ध हुआ है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सबमिशन ही कैन गेट सम बेनिफिट। फॉलो, सपोज दीक्षा लेने का समय में 50% शरणागत हुआ तो यू कैन गेट 50% बेनिफिट, नॉट मोर देन दैट। दीक्षा का समय में 80% शरणागत सिद्ध हुआ, ठीक है 80% फायदा मिले। लेकिन जब गुरुचरण में आश्रय लेने का साथ साथ इस 100% शरणागत सिद्ध हो जाए तो दीक्षा लेने का साथ साथ उसे दिव्य ज्ञान संग संग प्रकट हो जाए। दीक्षा वास्तव हुआ संग संग दीक्षा लेने के साथ ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाएगा, यह सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं। आश्रय लेने का बाद जब पैदा ही हुआ इस समाज संसार में जो नियम आदि आप देख रहे हो, किसी देश का साथ दूसरे देश का युद्ध फैल गया, युद्ध लग गया। सपोज करो जो ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश नाम हुआ है अभी, उधर से हजारों हजारों व्यक्ति रोते रोते भारत में शरणागत हुआ, उसको बोलते हैं शरणार्थी, इसका नाम है शरणार्थी। शरणार्थी का मतलब शरण मांग रहा हूँ, शरणार्थी चाहता हूँ, शरण दो, हमारा कोई चारा नहीं उपाय नहीं है, उधर ऐसा है सब मर गया, हमारा बीवी बच्चा सब मर गया, ऐसा हालत है, हमको थोड़ा भारत सरकार उसको जगा दिया, फिर रहो खाओ पियो सब व्यवस्था कर देंगे क्योंकि शरणार्थी है। अब जब युद्ध खत्म हो गया देश स्वाधीन हो गया, बहुत सारे आदमी चाहता है कि हम देश में लौट जाए, है गया ना, तो वो जो शरणागति हुआ था भारत का चरण में वो फॉर द टाइम बीइंग, वो शरणागति तो जरूर हुआ था शरणार्थी, बट दैट वाज फॉर द टाइम बीइंग, समय काल के अनुसार उसको होना होनी पड़ी, उसके बाद लौट जाए।
जब शादी होता है किसी बच्चा का अर्थात किसी लड़की का, तब स्वामी चरण में, स्वामी का चरण में उसका शरणागति सिद्ध होनी चाहिए। नहीं तो मैरिज बोल के जो टॉपिक्स है इस यूजलेस। एज पर सनातन सनातन धर्म का एप्लीकेशन हमने बताएंगे, अभी बताना शुरू करेंगे। थोड़ा सनातन क्या है ये समझो। अगर वो बेटिया रानी का स्वामी चरण में शरणागति सिद्ध नहीं हुआ, इट इज़ वन काइंड ऑफ एक्टिंग, विवाह बोल के जो चीज़ है वो नहीं पाएगा। क्योंकि वेदों का जो मंत्र है उसमें जब विवाह दिया जाता है उसमें एक मंत्र आता है, जदिदम हृदयम तबो तदिदम हृदयम ममो। मेरा जो हृदय है वो आपका हृदय के साथ मिलजुल गया, एकदम सबमर्ज हो गया। अब स्वामी और स्त्री देखने में दो अलग शरीर है, लेकिन वो शादी एक्चुअल शादी का साथ जो पुराणों में भागवत में महाभारत में देखोगे वो एक्चुअल शादी सबमर्ज हो गया। और अंग्रेज लोग ब्रिटिश लोग यो अंग्रेज लोग का फिलोसॉफी में मैरिज इज नथिंग बट द फ्रेंडशिप बिटवीन टू ह्यूमन सोल हैविंग टू डिफरेंट। समझ गया मेरा बात। मैरिज इज नथिंग बट अ फ्रेंडशिप बिटवीन टू ह्यूमन सोल। इतना दोस्ती है जिसमें सेपरेशन संभव है, लेकिन मेटेरियल जगत में जो शादी का जो हमने डेफिनेशन दिए इट्स होता नहीं। ये पुराणों में है, भागवत में ये सब हो सिद्ध हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं। तो ये जो है ये शरणागति बड़ा ऊंचा किस्म का चीज़ है, बड़ा गुप्त चीज़ है। आश्रय लेने का बाद जो है आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हो, यू आर बाउंड टू सबमिट इन फ्रंट ऑफ योर बॉस, ऑफिस बॉस। ऑफिस बॉस का चरण सामने आपको झुकना पड़ेगा, यो टॉप बॉस है। ऐसा जिस किस्म का शरणागति स्टूडेंट स्कूल में जाता है, ही मस्ट सबमिट अन टू द लोटस फीट ऑफ गुरुजी अर्थात शिक्षक। आजकल का जमाने में ये साहब सनातन धर्म से बाहर हो गया, मलेच्छो का मापिक, दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट एट प्रेजेंट। मास्टर मास्टर रहे ना रहा नहीं, और स्टूडेंट स्टूडेंट भी रहा नहीं, है ना। ये जो बात आता है आश्रय लेने का जो बात होता है ये बड़ा गुप्त चीज़ है। हम एक उदाहरण मिसाल दे दे, 2000 में फ्लड आया था, फ्लड बन्या बाढ़ आई थी। इस बन्या में किसी को पता नहीं था, बच्चा सो रहा है, बीबी सो रहा है, सब पानी आ गया, सबको लेके एकदम, यू कैन नॉट इमेजिन हॉरिबल सिचुएशन। कोई को पता नहीं, सो रहा है बन्ना आके एकदम फटा फुटा के सब लेके, चिल्ला चिल्ली चारों से सब बहके जा रहे हैं। ट्राई टू फील दिस पॉइंट। इस समय माँ का सामने बच्चा जा रही है, पकड़ने का कोई रास्ता नहीं, इतना करंट है बचाने जो वो खुद मरे, बच्चा गया, स्वामी गया, आंखों का सन में जा रहा है। और एक बंदे का सामने एक वृक्ष बट वृक्ष का वो जो सीकर है लटका रहा है, वो उसी का बगल से बिचा तुरंत उसको पकड़ लिया। अरे हो गया, क्योंकि आप जानते हो अंग्रेजी में एक बात है, अ ड्राउनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रॉ। एक टुकड़ा भी, तृण का टुकड़ा भी मिलता है, डूबते समय पकड़ के अंतिम चेष्टा करता है हमको बचाओ। तो हो गया उसका, वो जो उस हाथ से गुजर रहा था एक बट वृक्ष का जो शेखर है लटक रहा था वो उसको पकड़ लिया। किसी भी हालत से जोर जबरदस्ती पकड़ के किसी भी हालत से वो रक्षा हो गया। समझा मेरा बात। ये जो मरने का समय, मरने का एकदम किनारे आ गया, मौत क्या चीज़ है, बहुत आदमी हमको बताया, महाराज आपका आशीर्वाद से हम मौत क्या चीज़ है हम डायरेक्ट फील किया। हॉस्पिटल में पढ़कर क्या हो रहा है, आपका आशीर्वाद से मैंने मौत क्या चीज़ है
ने साक्षात देखा, इसलिए मेरे आप बूढ़ा काम में मन नहीं लगता। मृत्यु क्या चीज है ये अगर आपका दिल में डायरेक्ट फीलिंग में आ जाए तो इसी समय से आपका जितना सारे घटिया किया कम सर्व बंद, जितना सारे नॉनसेंस चल रहा है जगत में सब कोई का हृदय में ये भाव पैदा हुआ हो जाए कि मौत क्या चीज़ है, इसका डायरेक्ट फीलिंग तुम्हारा अंदर में पैदा हो जाए ऑल यू कैन स्टॉप एवरीथिंग, लेकिन हो नहीं पाएगा। ये माया देवी का इतना एक जादू है, किसी का अंदर में ये भाव नहीं आए आएगा कि आई एम गोइंग टू डाई टूडे टूमोरो एनी टाइम। दैट श्रील भक्ति वल्लभ चित्तु गोस्वामी यूज टू स्पीक दिस थिंग वेरी ऑफन। महाराज जी बोलते थे कभी भी मर जाओगे, कोई ठिकाना है नहीं, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, समय क्यों खराब कर रहे। ये जो आश्रय लेने का बाद हमने बताए, आप फील करके देखो, बन्ना में आप जा रहे हो, आप भी एक बंदा हो, मरने का एकदम चक्कर वो डायरेक्ट नो वे। इस समय में ठाकुर जी का अचानक कृपा, एक सपोर्ट मिल गया, आप बच गया है ना। इसी अवस्था संसारी जीवों का जब हो जाए, हमारा बचने का कोई रास्ता नहीं, हम मर रहे हैं ठाकुर जी, डूब रहे हैं, बचाओ, ऐसा अगर अनुभव हो वो गुरुचरण में वास्तव दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाए। बाकी जो व्यक्ति है वह वास्तव दीक्षा लेने के लिए वो मजाक में, ये हमारा ले लिया, हम संसार भी करेंगे, दौड़ेंगे, सब करो, कौन बोला है संसार छोड़ने के लिए, हम बोलता नहीं, लेकिन अनुभव का साथ संसार करो, टेक्निक समझो। तो आश्रय लैया भजे हमने तो बता दिया पब्लिकों का सामने, बट आई हैव नो डायरेक्ट फीलिंग व्हाट्स दैट। आश्रय लैया भजे हम तो बता दिया, चौपाई मुखस्त किया हमने बता दिया है ना, एक तोता को मुखस्त करा दिया गया जंगल में, एक आदमी का सुंदर बगीचे है उसमें तोता को रख दिया और सिखा दिया है? क्या सिखा दिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुमको पकड़ के ले जाएगा, मुखस्त करके मुखस्त कर दिया उसको, वो चिल्लाता रहता है ना। और जब शिकारी आया, पालतू है वो, खुद उसमें जो चारा दिया खाना दिया उसमें लोभित होकर वो जाल में फंस गया, और इतना मूर्ख है जाल में फंस के भी बोल रहा है शिकारी आएगा जाल बिछाया जाल बिछाएगा तुमको ले जाएगा, तेरे को तो ले गया छागल, तेरे को तो पकड़ लिया। ये मुखस्त करके हम बात बताते हैं, ये साधु का कर्म नहीं है, दिखा भी डेली नहीं करता, डेली तो दुर्गया महीना में दो चार बार करता कि नहीं, आई हैव डाउट, इन बैस आसन में बैठ के बोल रहा हूँ, इतना पक्का है, सेंग्विन है इस विषय में। हरिनाम का माला करता कि नहीं, सब डेकोरेशन सब है, लटक रहा है, हमको धोखा देना उतना इजी नहीं है। गुरुजी साखे फाड़ फाड़ के खोल दिया, देख ले कौन क्या है और अपने को तैयार कर ले। इस अवस्था में किसी को उपदेश देना संभव नहीं, क्योंकि शास्त्रों का सनातन धर्मों का बारे में हम बताने जाए जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ये अगर नहीं बताते सनातन अधूरा रह जाएगा। उपदेशम करत्येव, उपदेशम करत्येव, उपदेश करता है अपना जीवन में पालन करता नहीं तो ये जगतवासी के लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है ना, उपदेशम करता है लेकिन वो अपना जीवन जिंदगी में पालन नहीं करता, ऐसा मापिक जो उपदेश है समाज संसार के लिए हानिकारक हो जाए, डेंजरस। जगत नासायो तद भवित, जगत नासायो तद भव, संस्कृत नहीं भी जानता फिर भी समझोगे जैसे हम बोल रहा है, जगत नासायो तद भवित, जगत का नाश करने वाला 100% भवित विधि लिंगो, इट्स अ मास्ट। ऐसा
अब क्वेश्चन आता है महाराज, जो श्लोक दे के शुरू किया था वो फाउंडेशन है सनातन धर्म का, इसका चर्चा काल हो पाएगा, लेकिन आज हम उठाया इसलिए कि रिलेटेड है, ये श्लोक दे के शुरुआत करें तो अच्छा है। सौ वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधो कजे अहित की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति, जयात्मा सुप्रसीदति, इस विषय में काल चर्चा हो पाएगी, लेकिन इसमें सनातन धर्म का लिंक है इसलिए हम उठाया बात को। पहला क्वेश्चन दे ये है महाराज, ये जवाब दो, सनातन धर्म क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सनातन धर्म, ये पहले हम सुनना चाहता है। सनातन धर्म का साइंटिफिक व्याख्या क्या है, सनातन धर्म को जो व्याकरण पढ़ाए संस्कृत उसको बोले तो इसको थोड़ा डिवाइड करो शब्दों को, संधि का होता ना, ठीक है, सनातन, ठीक है जी, सदा तनोति यत सनातन, जो नित्य है जिसको कभी भी ध्वंस नहीं किया जाएगा वो सत्य है, क्योंकि काल ना परसों हमने बताया था अस धातु, व्याकरण में अस धातु से सत ये उत्पत्ति हुआ, सत मतलब गोइंग टू स्टे फॉर एवर, नेवर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये ध्वंस होने वाला चीज नहीं है, सत जो नित्य काल रहने वाला और तनोति मतलब विस्तार प्रोपागेट हो सकता है, नया नया प्रजन्म आए उसका हृदय में भी प्रोपागेट हो सकता है अगर आपका आचरण है तो। सदा तनोति इति सनातन, और धर्म लगा दिया, अधर्म तो है ही है, सनातन धर्म, सनातन धर्म बताने जाए तो उसको बोले एक्चुअल एकदम वास्तव सत्य कथा बोलो तो सनातन धर्म इज इक्वल टू वैष्णव धर्म। बहुत सारे आदमी हमारा सामने तर्क उठाएगा, महाराज क्यों ऐसा बोल रहे हो, व्हाई यू आर सो कंजर्वेटिव, नो नॉट दैट, हम कंजर्वेटिव नहीं, सनातन धर्म का एक्चुअल फुल फ्लेज्ड मीनिंग जो है इसमें यही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सनातन धर्मो आत्मधर्मो जैव धर्मो वैष्णव धर्मो ये जो है सब एक मीनिंग सिनोनिम है। आत्मधर्म बोला जाए वही सनातन धर्म, यही भागवत धर्म, यही सब कुछ, लेकिन सनातन धर्म को एक्सटेंडेड फॉर्म में ला के बदमाश लोग थोड़ा उल्टा सीधा करना शुरू कर दिया, सनातन धर्म को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में ले गए, जैसे कोई जोन है ना इसको सॉल्ट लेक बोला जाए, इसको कलकत्ता बोला जाए, ग्रेटर कलकत्ता बना दिया, समझा ना, अभी जो जगह जंगल था उसको ग्रेटर कलकत्ता बोलता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो गया, चौंक जाओगे बॉम्बे का माफी। तो ठीक ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ आपको समझने में सुविधा होगा, सनातन धर्म एक्चुअली नॉट कंजर्वेटिव, सनातन धर्मों में बेसिक चीज क्या है उसका राइट एप्लीकेशन समाज में करो तो उसका क्या फल मिले, साइंटिफिक बैकग्राउंड ये सब हम बताएंगे। सनातन धर्म का बेसिक अर्थ ये होता है, और पहले ही बोल दिया सनातन धर्म का मूल है विष्णु, विष्णु भी खत्म होने वाला नहीं, नित्य है। सनातन धर्मों में ये विशेष आता है जो भगवान का भजन करे, और जो व्यक्ति भगवान का भजन करे वो व्यक्ति और भजनीय भगवान और भजन का प्रसिद्धियों तीनों में एक सिमिट्री एक बैलेंस होना चाहिए और नित्य। जैसे मायावाद का बारे में बताने गए तो काल ऐसा बात उठाया था जो हमारा गुरुचरण आश्रय कोई मायावादी का मापिक नहीं है और नित्य है, हमारा गुरुजी मरा नहीं, हम तो देख रहे हैं गुरुजी है मेरा सामने, मेरे को सहायता कर रहा हर वक्त, गुरुजी मरा नहीं, ऐसे हमको धोखा देने के लिए बाहर चला गया जगत से, अगर गुरुजी मर गया तो ये मायावादी का विचार हो जाएगा, ये सनातन धर्म का विचार नहीं है। सनातन धर्म में नित्य गुरु का अस्तित्व, नित्य गुरु का संबंध, गुरु का साथ मेरा संबंध ये टूटने वाला नहीं है, जैसे मायावाद में बताया ये अगर ब्रह्म अनुभूति हो गया गुरु का, गुरु तो गुरु क्या होगा, अब तो मेरा ब्रह्म अनुभूति हो गया,
मायावादी लोग ये जो शंकराचार्य का धर्म ये भी बताते हैं हम सनातनी धर्मी सनातन धर्मी हैं, लेकिन हर हालत में हम प्रमाण कर देंगे वो सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्मों का जो रूल्स एक्ट एक्ट गवर्नमेंट में पास हुआ, सनातन धर्मों का जो एक्ट रेजोल्यूशन ये जो पास हुआ था उसमें बेसिक चीज़ है जो भगवत तत्वों को नित्य मानता है कि नहीं, फॉलो माई पॉइंट। उसमें शंकरी संप्रदाय थोड़ा बच गया, किस लिए? वो इतना चालू है शंकराचार्य जी ने बताया हम तो मानता है, क्यों? उसका तत्व में आता है साधो का नाम हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना, बी केयरफुल, भजन के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम भगवान को मानेंगे, ये विग्रह है। बहुत मायावादी जाएगा जाओगे राधा गोविंद को विग्रह, अरे मूर्ख मकी दंडवत कर दिया हमारा दंड, अरे छागलो विग्रह नहीं है, वो पुतली है, वो दंडवत करना निषेध है। रामानुजा जो निषेध किया, जो विग्रह महापुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, जो विग्रह निरंतर लंग समय दीर्घ समय तक सेवित नहीं होते आ रहा है, उस सब विग्रह को दंडवत नहीं करना। दंडवत करना माने दंडवत करने का कोई माने नहीं है, समझा मेरा बात? मायावादी लोग रखा है जाओ रमन रति में जाओ, अरे विग्रह रखा है सब दंडवत कर रहा है, विग्रह नहीं पुतली। विग्रह और पुतली का अंदर में क्या फर्क है वो हम बताएंगे। अब शंकराचार्य जो सनातन धर्मों का वो जो एक्ट पास हुआ उसमें थोड़ा चलाकी करके पास हो गया, क्यों? ओ भाई हमारा तो विग्रह मानता है, लेकिन इनसाइड फिलोसॉफी ये है, गुप्त रहस्य ये है, वो विग्रह को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते, नित्य नित्य नहीं मानते। इतना तो थोड़ी लॉयर मानेगा, वो बुद्धि तो उतना तक जाएगा नहीं, बोले ये तो मानता है छोड़ दो, समझा मेरा बात? साधो का नाम हितार्थायो ब्रह्म रूप कल्पना, हमने ठाकुर जी के एक रूप को सामने रखा, ये हमारा सिद्धि होने तक काम में आएगा, बात भी छोड़ दो। सनातनी धर्म का ये बेसिक चीज है, सनातन धर्म में भजन और भजन जो करेगा और जो भगवान, क्योंकि सनातन धर्म विष्णु छोड़ के नहीं है, बाकी जो पंच देवता का उपासना होता है गणेश जी देवी जी शिव जी जो करता है ना पंच उपासक, दे आर नॉट एट ऑल वैष्णव, दे आर नॉट एट ऑल वैष्णव। अब बोका बन जाओगे, ये वैष्णव नहीं है। ये लोगों का आइडिया जो गणेश जी को शंकर जी को देवी जी को ये जो पांच सूर्य जी को ये जो अर्चन करे इसमें कुछ खास नहीं है। कम से कम अगर गीता का दर्शन इन लोगों का हृदय में आ जाता तब भी बच जाता, क्योंकि सर्वधर्मानं परित्यज्य माम एकम शरणं भज, गीता का ये फाइनल एडवाइस है, फॉलो माय पॉइंट। सर्वधर्मानं परित्यज्य माम एकम शरणं भज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। यू नीड नॉट वर्शिप सूर्यदेव, यू नीड नॉट वर्शिप गणेश जी, क्योंकि एक एक करके हम व्याख्या करें सूर्य जी का अर्चन का माने क्या है, गणेश जी का क्या, पागल बन जाओगे, मैंने जिंदगी में सुना ही नहीं और सुनोगे भी नहीं, समझा मेरा बात? अद्वैत ज्ञान तत्व अगर वास्तव एप्लीकेशन में है वो शंकराचार्य का फिलोसॉफी में नहीं है, वो सनातनी धर्म में है। एकदम सनातनी धर्म भी ये विशेष है, बदंती तत्त्वविदम तत्त्वम यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे, ये जो अद्वैत ज्ञान तत्व का विशेष है ये ओनली एक्चुअल फॉर्म प्रैक्टिकली ये सनातन धर्म में है। कोई अगर चिल्लाना शुरू कर दे महाराज ये जितना सा देव देवी है तो वो तो पूजो तो होता है इस हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म, हिंदू बोल के ये जो वर्ड है ये कोई डिक्शनरी में नहीं है, बाद में इंसर्ट किया तो अलग बात है। सिंधु नदी का किनारे में जो सभ्यता गठन हुआ उसका नाम हिंदू दिया, हिंदू बोल के कुछ नहीं है, वो चिल्लाता है मूर्ख मूर्ख कम्मा की, वास्तविक हिंदू बोल के कुछ है। हाँ सनातनी धर्मों को पालन करने वाले कोई आर्य समाज है, आर्य समाज में वो आर्य समाज आर्य जाति जो ऊँचा,
आर्य समाज बोलने से भी बड़ा उल्टा हो जाएगा, क्यों? वो भगवान का स्वरूप को नहीं मानते, आर्य समाज भी भगवान का स्वरूप को नहीं मानते, इसीलिए। और ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, हाँ जो है मुस्लिम धर्म में जो कुछ है, वो किसी में कोई नित्य कोई विषय है नहीं, कोई नित्य विषय उसमें है नहीं। जो धर्मों का शुरुआत, अरे धर्मों तो हम बोलना क्या करें, संसार धर्म, समाज धर्म, ये तो बोलना पड़ता है, इट्स अ कॉमन टर्म, सो आई एम स्पीकिंग व्हाट टू डू। लेकिन वो धर्म बोल के जो टर्म यूज किया, मुस्लिम धर्म, ठीक है ना, और क्रिश्चियन धर्म, लेकिन धर्म शब्दों एग्जैक्टली एप्लीकेशन इसमें होता नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए, देयर ऑल स्टेप्स, हम अगर एब्सोल्यूट जगह में पहुंचे, उसका पहले का जो स्टेप जीना होता है, वो वन स्टेप, इट्स नॉट कॉम्प्लीट एक्चुअली, समझा मेरा बात। ये जो सनातन धर्म है, इसका बारे में ये बताया पहले हमने, जो सनातन धर्म मतलब नेवर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, कभी ध्वंस नहीं होने वाला, जो नित्य रहने वाला, उसका सनातन धर्म। बट यू कैन नॉट प्रूव दैट क्रिश्चियन धर्म नित्य रहेगा, आप प्रमाण नहीं कर सकते। मुस्लिम धर्म नित्य रहेगा, यू कैन नॉट प्रूव, हम इधर बैठ के प्रमाण कर देंगे नहीं रहेंगे। बुद्ध धर्म, किसी धर्म, जैन धर्म, किसी धर्म नित्य रहने वाला नहीं है। हाउ यू आर स्पीकिंग लाइक दिस, यस, इसको बोलता है एक्सियोमेटिक ट्रूथ। कोई भी संप्रदाय किसी अवस्था में हो जो सत्य को मानने के लिए 100% तैयार है, देयर इज नो अदर वे। जो सत्य को कोई मानने के लिए इनकार कर दे, हो ही नहीं सकता, ये सब कोई का मानने का विषय है, उसको बोलता है एक्सियोमेटिक ट्रूथ। सब मानेगा, ना मानने का कोई बात ही नहीं है, चाहे कुछ पृथ्वी का किसी भी किनारे में रहे, वो मानने के लिए तैयार है, 100% बाउंड टू कन्फेस दिस पॉइंट। व्हाट्स दैट? जिसका शुरुआत हुआ है उसका ध्वंस है, स्टार्टिंग पॉइंट, इफ देयर इज एन स्टार्टिंग पॉइंट, ध्वंस भी होगा, ठीक है। अगर शुरुआत है उसका ध्वंस अवधारित, तो इसको कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप का हिंदन नहीं है तो इसको रोके। पृथ्वी सृष्टि हुआ, पृथ्वी ध्वंस होगा, ये सृष्टि क्रिएशन हुआ, ध्वंस होगा। लेकिन सनातन धर्म कभी ध्वंस नहीं होगा, सनातन धर्म रहेगा नित्य जगत में, फिर इधर प्रचारित होगा बात। लेकिन जो धर्मों का सृष्टि हुआ, सनातन धर्म का कब सृष्टि हुआ, कोई नहीं बता सकता। आदि अनादि काल से सनातन धर्म है, रहेगा, था, अभी भी है और रहेगा, पहले भी था। ये जो बातें हैं, और देखो बुद्ध धर्म का बात सोच लो, जैन धर्म का बात सोच लो, सारे कब हुआ है? 1500-600 साल पहले ये मुस्लिम धर्म का प्रवर्तन हुआ हजरत मोहम्मद के द्वारा, 2500 साल पहले बुद्ध धर्म का थोड़ा, वो भी बुद्ध धर्म भी बड़ा फैलेसी है बहुत सारे, क्योंकि बुद्ध एक नहीं है, कोई जानता नहीं है सब विषय। हमारा जो भागवत में जो बुद्ध आता है, दैट बुद्ध इज नॉट इक्वल टू डेथ बुद्ध, तथागत बुद्ध, जो शाक्यवंशियों जो बुद्ध इतिहास में पढ़े हैं अपने, वो बुद्ध हमारा बुद्ध नहीं है, जो भगवान बुद्ध देव है वो नहीं है, सब मिला दिया, खिचड़ी बना दिया, ये बुद्ध वो नहीं है, ये बुद्ध देव तो भगवान, ये बुद्ध जो है ये अलग है, ये सिद्धि लाभ किया बुद्ध गया में, अलग सा बात है। किसी धर्म में ये विग्रह का नित्य मानने का कोई प्रोसीड्योर है नहीं, ये जो आर्य समाज में वो भी नहीं, किसी धर्म में, सनातन धर्म में हो, ये सनातन धर्म में तो विग्रह का नित्य स्वीकृति है ही है, अगर ना माने तो सनातनी है ही नहीं। शंकराचार्यों का जो विग्रह मानने का विषय है वो भी हमने बता दिए, इट्स वन काइंड ऑफ डुप्लिसिटी। शंकराचार्यों का अगर पूछा जाए तो महाराज आप बोलते हो सर्वम खलु
खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, आप बोलते हो सब ब्रह्म है। अच्छा ठीक है, सब तो ब्रह्म है ही है, लेकिन अगर हम बोले ये अंदर में जो विग्रह है इसको भी ब्रह्म मानो, तो आप क्यों ठुकरा देते हो? समझा मेरा बात? आप अगर बोलते हो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो क्या आपका हमारा जो सनातनी धर्म का जो विग्रह है वो छोड़ के बाकी दुनिया का सब तुम्हारा सब खलु इदम ब्रह्म? क्या मूर्ख का मापिक बात करते हो, हैं? लॉजिक नहीं है तुम्हारा, क्यों इसको भी मानो? लेकिन ये जो उसका मानना और सनातनी धर्म में जो विग्रह का विचार है, ये उसमें नॉट हेवन एंड हेल डिफरेंस, इतना भी नहीं, अनंत का डिफरेंस। हेवन एंड हेल डिफरेंस बोला जाए वो भी बहुत कम है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा विग्रह जो है वो विग्रह साक्षात भगवान है। विग्रह नौ तुम्हें साक्षात ब्रजंद नंदन चैतन्य चरितामृत में साक्षी गोपाल का केस आता है, माधवेंद्र पुरीपाद जी ने चंदन का बारे में जो इतिहास आता है चैतन्य चरितामृत, कैसे कैसे गोपाल जी साक्षात आए गोवर्धन में, ठाकुर जी आए साक्षात, माधवेंद्र पुरीपाद को एक लोटा दुग्ध दान किया, उसके बाद सपने में आया रात को, हम जंगल में हैं हमको निकालो, ये सब गोपाल जी को सीना जी को प्रकट किए, एक एक करके हम उदाहरण दे दे, इसमें देखोगे बल्लवाचार्य जी के सामने सीना जी प्रकट होके एकदम पकड़ के, जैसे दोस्ती है ऐसे सेवा लेता था, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। सूरदास जी लगातार 80 साल अनचखे आँखों में देखता नहीं, फिर भी लाठी ठोक ठोक के, और तब के समय में ज्योतिपुरा का उधर गोपाल जी का व्यवस्था था रहने का, बाद में तो चला गया, गोसाई जी लोगों ने डिसीशन लिया है मुस्लिम का जगह है ले चलो जयपुर में, ऐसे ले गया गुजरात में, कहाँ लेके गया सीनाथ जी को, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, बल्लवाचार्य जी का लड़का जो है वो लेके गया था बाद में, वो भी डिस्कशन करके ऐसा मनमानी नहीं लिया। सूरदास जी लगातार 80 साल कितना साल तक जिए, सुनो तो हैरान हो जाओगे, लाठी ठोक ठोक के जाते थे सीनाथ जी का उधर बैठ के, और ऐसा ऐसा करके गाना गाते थे, संरचित गाना, स्वयं जो सीना जो सूरदास जी रचना की उसका गाना, और गोपाल जी साक्षात, तब की जमाने में भीड़ भड़क्का नहीं था, गोपाल जी है कोई नहीं है, मंदिर फाका रहता, कभी कभी कोई आ जाए देखा, और सीना जी प्रकट होके ऐसा करके गाना सुनता था, ऐसा साक्षात सीना जी प्रकट होके इनके सामने गाना सुन, बहुत सारे वह ऐसा हुआ। सीना जी कभी जाते जाते झड़ झंझा हुआ, उसी में किसी समय कुएं में गिर गया था, आपको पता है ये गान का गाना लिखा है सूरदास जी ने, कुएं में जब गिर गया तो चिल्लाया, गोपाल बोल के चिल्लाया, अब किसी ने आके उसका हाथ पकड़ दिया और कुएं का बाहर लेके छोड़ दिया। आज सूरदास जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, अरे तुमने हमको क्यों पकड़ा? बोले तू ही मेरा गोपाल है। अरे नहीं नहीं, मैं तो गांव का लड़का हूँ, आपको गिरे हुए देखा तो नहीं, तू मेरा गोपाल, हम छोड़ेंगे नहीं, 100% विश्वास है मेरा, तू मेरा गोपाल है, हो ही नहीं सकता। तो गोपाल ने क्या किया, एक झटका लगाकर हाथ छुड़ा के जा रहा है, ये सब कहानी आप जानते हो, हाथ छुड़ा के जाते हो निबल जान के मुहे, हृदय से जब जाओगे तब सबल जानू में तोहे, ये सब कीर्तन है जानते हो। खिचोरा गोपीनाथ का बारे में बताने जाए तो समय लग जाएगा, यूं विश्वास कर लो खिचोरा गोपीनाथ, फिर साक्षी गोपाल, एक हाथ करके हम दो चार उदाहरण दे दिया, ज़्यादा बोलने क्योंकि जो टॉपिक्स है वो होगा नहीं। हर हालत में आई कैन प्रूव दैट विग्रह नौ तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम विग्रह न, विग्रह मतलब ये जो मायावादी लोग विग्रह बोलता है वो विग्रह नहीं, वो पुतली है, लेकिन एक महापुरुष के द्वारा ये जो मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठित हो जाता है उसमें ठाकुर जी सेवा लेने के लिए अंगीकार करते हैं, बद्ध परिकर
प्रॉमिस करते हैं, ये इस गो में हम आ गया, हम सेवा लेते रहेंगे, कोई बात नहीं, महापुरुष का आह्वान है, आओ ठाकुर जी। तो मायावादी का विग्रह का साथ हमारा कोई ताल्लुकात है नहीं, वो लोगों का जो है हिंदू समाज में जितना देव देवी का पूजा चल रहा है, भगवान गीता में भी बताया, देखो अगर अर्चन कर रहे हो तो कर रहे हो ठीक है, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट प्रोसीड्योर। भगवान गीता में बताया कि तुम जो अर्चन कर रहे हो अलग अलग देवता का अपना अपना इच्छा को पूर्ति के लिए, ये परफेक्ट नहीं है। भगवान ने गीता में बताया अविधि पूर्वकम, तुम जो अर्चन करते हो हजारों देवता का ठीक है करो, इसका तो वेदों में है, हेवनली प्लैनेट में लोग स्थिति है, लेकिन ये जो अर्चन कर रहे हो ये विधि पूर्वक नहीं, इट इज नॉट द रूल, क्योंकि हमको अर्चन करने से ही तमाम देव देवता ऋषि मुनि देवता सबका अर्चन स्वयं हो जाता है। इसका बारे में भागवत में प्रमाण है, नारद जी महाराज कह रहे हैं यथा तरर मूल निसेचने न तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजौ पोशाका प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हननम अच्युतेज्या। सुना नहीं है? सुना है? नहीं सुना? क्यों नहीं सुना? बड़ा दुख की बात। यथा तरोर मूल निसेचने न तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजौ पोशाका प्राणोपहारस्य यथेन्द्रियाणम तथैव अर्हननम अच्युतेज्या। जैसे खाना कभी आंखों में नहीं देते हो, आंखों में दे दो खाना पकड़ के आंखों में माथे पे, अरे महाराज खाना तो इधर देना चाहिए पीना, हाँ कम टू द पॉइंट, जब खाना मुख में डालोगे तब सब पूरा शरीर का तुष्टि पुष्टि विधान सतह हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा ना, सेपरेटली देने का दरकार न, सारी इंद्रियां जो है पुष्टि तुष्टि हो जाएगा। यही प्रमाण नारद जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज यथा तरोर मूल निसेचने न तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजौ पोशाका, जैसे वृक्ष का जड़ पर पानी देना चाहिए, कोई मूर्ख ऐसा नहीं कि ऊपर में पानी दे, अरे महाराज हरा भरा हो जाएगा नीचे में पानी दो, जड़ में पानी डालो उसमें पानी डाल दो स्वयं चला जाएगा और फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, सालक संश्लेष और वृक्ष का पुष्टि हो जाएगा, और कोई भूखा तो है नहीं कि माथे पे पानी दे, हैं माथे पे चढ़ गया पानी दे रहा है कहते है नहीं मूर्ख है सब। तो ये जो उदाहरण है जैसे जड़ में पानी देने से पूरा वृक्षों का तुष्टि पुष्टि हो जाता है, जैसे भोजन करने से पूरा शरीर का जितना सारे इंद्रियां हैं सबका तुष्टि पुष्टि स्वयं हो जाते हैं, ऐसा ही है अगर धर्म मूलम ही विष्णु, विष्णु का विष्णु मतलब कृष्ण, और ऊपर भी आओ तो कृष्ण है वो हमारा बाकी लोग तो जानता नहीं, वो विष्णु तक रहे ठीक है यही समझो तुम, विष्णु कृष्ण से विष्णु आए हैं, तो विष्णु का अगर अर्चन कर दो, और गीता में ऐसा श्लोक आपने पढ़े होंगे, कौन सी श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधो स्वाखम, ये संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है जड़ है ऊपर है नीचे नहीं, बाकी जितना सारे वृक्ष है वृक्षों का मूल है नीचे में और पत्ता फूल सब ऊपर है, और जो संसार रूपी जो वृक्ष है उसका मूल कहाँ है, गीता में बताया ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम, उल्टा नहीं है ये ठीक है हमारा उल्टा है, ये जो गीता में बताया ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम ये ठीक है एग्जैक्ट, क्योंकि संसार का मूल तो ऊपर है, हैं तुमको लगता है कि उल्टा हो गया, उल्टा नहीं है ये ठीक है हमारा सब उल्टा है इधर, क्योंकि ये जगत जो है परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, अपराकृत जगत का ये विकृत प्रतिफलन है ये जगत। इसमें बात आता है कि ये लोग जो इतना देव देवी रखा है ये तो वेदों में है, हाँ महाराज वेदों में तो है, इंद्र जी का नाम है वरुण का नाम है सब है, लेकिन ये जो देवता लोग हैं सब भगवान का आदेश पालन कर रहे हैं, दे आर ऑल सर्वेंट, भगवान का नौकर चाकर है,
भगवान का जो आदेश है उसको कैरी आउट कर रहे हैं, आदेश को पालन कर रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे होता है, वरुण पानी का बारे में दिगवाली करें, ये वायु का बारे में दिगवाली करें, पवन देव, एक एक कैबिनेट को डिवीजन कर दिया गया। देवी मैया जी ये जड़ जगत का संसार का जो भोग वासना परिपूर्ण जो समाज संसार है इसमें सब शेरों वाली इस भजन करो, करते रहो और पूर्ति भी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर पता होता जो शेरों वाली ये जो देवी मैया हैं ये हमारा मापिक असुर को काटने के लिए हाथ में छोड़ रहा है, तो आप वचन बंद कर देते। हम तो हंस हंस के बोलते हैं समाज में, अरे मूर्ख दुर्ग दुर्गा पूजा कर रहे के लिए दौड़ रहा है, चंदा मांग रहा है, तेरे को पता है तेरे को काटने के लिए देवी लगा, अरे हमको क्यों काटे। हम देख शास्त्रों का विचार है, दोनों कैटेगरी है, एक असुर है एक देवता। हम बता दिया दो दिन पहले, विष्णु भक्त भवे दैव असुर अस्तत विपर्य। आ तू बता किसको काटने के लिए, असुर को काटने के, तू असुर है, विष्णु को मानता नहीं, समझा मेरा बात। हाँ तू अगर ये बात को समझता तो कभी देवी को अर्चन नहीं करते, तू मूर्ख है इसलिए अर्चन के लिए। अब महाराज कहा करे, कर जितना दिन तक लिखा हुआ है तेरा तकदीर में करते चल। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बता दिया ये अविधि पूर्वकम, इट इज नॉट द रूल। विधि क्या है, विधि है हमारा शरण में आओ, हम ही सब करेंगे। हम अगर चैतन्य महाप्रभु को भजन करें उसका साथ साथ हनुमान जी का भी अर्चन हो जाए, सब अर्चन हो जाए, इंद्र जी का भी अर्चन हो जाए, सब हो जाए, है ना। तो हिंदू जो चिल्ला रहा है और हम हिंदू हैं, हम हिंदू है, क्या हिंदू, हिंदू बोल के तो कोई शब्द नहीं होता है, फिर भी सनातन समाज का थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म वो लोग एक तो इमेजिनेशन कर लिया। सनातन धर्म में कभी भी ये सब माना नहीं, वो सब बोला नहीं, मूल है विष्णु, इसको सामने रख के कुछ भी करो। महाराज जगन्नाथ मंदिर में जितना सारे देव देवता है सारे जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्ति करने के लिए उधर बैठा हुआ है, जगन्नाथ का उच्छिष्ट मिलेगा, जूठन मिलेगा, पहले तो विश्वनाथ बैठा हुआ गेट में। वो देवता लोगों का जो भाव है उसी भाव से अगर आप पकड़ लो तो उसमें कोई दोष नहीं, किंतु अगर उल्टा पकड़ोगे, भगवान विष्णु भी एक देव एक ईश्वर है और इंद्र भी है, अलग से है, गणेश जी भी है, तो आपको मायावादी बोला जाएगा, क्योंकि आपका भगवत स्वरूप का नित्यता आपका हृदय में नहीं पैदा हो रहा है, तो कैसे बोला जाएगा, होगा नहीं, ये तो होगा नहीं ना। तो ये हिंदू, ये जो तुम्हारा सनातन धर्म में वेदों में जितना देव देवता का सब बारे में बोला गया उसमें कोई खास नहीं है कुछ, लेकिन वो देव देवता है भगवान का आदेश को पालन करने के लिए, अपना अपना आदेश को पालन करने के लिए मजबूर है, कर रहा है। लेकिन जब जगत ध्वंस हो जाए, स्वर्ग लोग भी ध्वंस हो जाए, तब वो लोगों का जो अप एंड डाउन ऊपर, कभी स्वर्ग कभी नरक में ये सब जाने का जो चक्कर है भगवान बता दिया है सब। गीता में अर्जुन को होता है, देख अर्जुन अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन, हाँ अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक दे आर ऑल मूविंग इन साइक्लिक ऑर्डर, चक्का का मापिक चल रहा है। गीता में भगवान डायरेक्ट बता दिया, देखो ये जो चक्का चल रहा है, जगत का चक्का चल रहा है, इसमें स्वर्ग लोग नरक जो भी है अप डाउन हो रहा है अपना कर्म फल के अनुसार, ब्रह्मा से लेकर चेटी तक सब अपना अपना कर्म फल का अनुसार। ये सनातन धर्म में कभी जीवात्मा को अनित्य नहीं बोला गया, जीवात्मा नित्य है, भगवान नित्य है, जीवात्मा जो भजन करे वो भी नित्य है, ये सनातन धर्म का फाउंडेशन बेसिक चीज है। गीता में भगवान सनातन धर्म का ये सब रहस्य का जवाब भी दे दिया, लेकिन किसी का दिमाग भी खोपड़ी पे आया नहीं। भगवान पूरा बोल दिया, देखो बासांश जीर्णानी यथा विहायो नवानी गृणाति नरो अपराणी, बता दिया भगवान, बोला देखो ये जो तुम्हारा शरीर पकड़ के बैठी हुई हो बैठा हुआ है आप,
ये शरीर छूट जाए, इसका बाद आपका नया शरीर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज, कर्म फल के अनुसार तुमको शरीर दिया जाएगा। ना तो तुम लड़की हो ना तो ये लड़का है, कुछ भी नहीं है, धोखाबाजी है। लेकिन समाज संसार में ये मानना चाहिए, क्योंकि लिंग धारण किया, क्या किया जाए, फॉर द टाइम भी जो आपका पत्नी है ये भी हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में वो आपका हस्बैंड बन जाए और आप पत्नी बन जाओ, ये हो जाएगा। क्योंकि मरने का समय में जंग जंग बा ओपी शरणम भावम त्यजति अंते कलेवरम, ये सब प्रमाण है। जो भाव लेके आप शरीर छोड़ोगे आपका उसी जोनि में प्रवेश हो जाएगा। सनातन धर्म का ये 100% फेथ, 100% इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये शरीर छोड़ोगे दूसरा शरीर पकड़ना पड़ेगा, कर्मफल के अनुसार ऊपर नीचे चलो, जब भजन करोगे ठाकुर जी का सौ वही पुंसम दे के शुरू किया था तब आपका सिद्धि हो जाएगा। ठाकुर जी का नित्य सेवक बन के परम आनंदित होके नित्य धाम में भगवान का सेवा में लग जाओ, ये आपका शंकर जो संप्रदाय का जो मुक्ति का जो टॉपिक्स है, बुद्धिस्ट लोगों का मुक्ति का जो विषय है निर्वाण, ये मोर और लेस ऑल द सेम। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने शंकर संप्रदाय के और ज्यादा एकदम टोका है, कैसे बोले, बोले महाराज बुद्ध देव का बुद्धिस्ट जो है वो तो बाहरी देश, ये बुद्धिस्ट है उधर मत जाना, ये तो कम से कम बैनर तो है एडवर्टाइजमेंट, बुद्धिस्ट है ना जाना, लेकिन ये जो इधर सनातन धर्मों का जो बैनर लगा के रखा है इसका अंदर में जो इसका बदमाशी है वो मोर डेंजरस देन दैट, फॉलो। चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया वेद मुखे मायावाद बौद्ध के अधिक, बांग्ला वेद मुखे मायावाद बौद्ध के अधिक, माने मुख में जबान पे हम वेदी वेद मानता है, वेद का ऋचा भी बोलता है, लेकिन अंतर में भगवान का नित्य स्वरूप नहीं मानते, तो ये तो वेद माना नहीं हुआ। वेद में तो ये बात है ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्वंति सुरयो दिव्यो चक्षुरातम, ये जो मंत्र है ऋग्वेद का, ओंकार शब्द सबको का उच्चारण का अधिकार नहीं है मैया लोगों का, वो करना नहीं, आजकल का जमाने में कोई शिक्षा है नहीं तो वो बोल देते। ये जो ओम देके शुरू किया एकाक्षर ब्रह्म मंत्र, इसमें बताया गया विष्णु का जो चरण कमल है ये नित्य है और विष्णु चरण कमल को देखने वाले वो भी नित्य है और दर्शन नामक जो क्रिया है वो भी नित्य है, यही तो बताया ना। ओम तद विष्णु परमम पदम परम पद, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पसंती, सदा मतलब अनइंटरप्टेड वे, सदा पसंती सूर्यो दिविवो चक्षुरातम, सूर्यो मतलब सूर्य मतलब जनरल मीनिंग आएगा, सूर्य मतलब देवता लोग, नॉट दैट, भागवत में भी ये सब विचार है। इधर जो सूर्यो दिव्यो चक्षुरातम ये जो विषय आ रहा है इसमें सूर्यो का मतलब जो दिव्य सूरी मतलब जिसका दर्शन खोल गया, ऋषि मुनि दिव्य अवस्था में है ये ओपन मीनिंग, और ये जो देवता लोग है इसको भी सूर मतलब देवता ये भी बोला जाता है, लेकिन इधर जो है गहरा अर्थ है दिविवो चक्षुरातम, दिविवो मतलब आंखें को फार फार कर विष्णु का नित्य चरण को देख रहा है। हम बोला ना सिद्ध महात्मा का लक्षण ये है, तो कोई भी करे प्रवचन में लगे ट्रेन में जाए हवाई जहाज में रहे कुछ कर्म करे कुछ सेवा करे कुछ भी करे हर वक्त विष्णु चरण अर्थात चैतन्य महाप्रभु का चरण इसका दर्शन का बाहर नहीं है, हर वक्त कंटिन्यूअसली उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है। इसीलिए ये बात को बताया गया सनातन धर्म का एक गुप्त रहस्य है, जो सनातन धर्म को मानते हैं इसके लिए ये विशेष फॉर्मूला है, क्या है वो, उसका जो दर्शन क्रिया है वो नित्य रहेगा,
और दर्शन आज दर्शन हुआ, काल लड़की दर्शन करेगा, आज विष्णु दर्शन, ऐसा नहीं, वो नित्य है। फॉलो माय पॉइंट। तो ये दर्शन नामक जो क्रिया है और विष्णु का जो नित्य चरण कमल जो है वो, और जो दर्शन कर रहा है जीवात्मा, वो सब नित्य जगत, वो कोई आज जीवात्मा को मारो काटो पीटो जला दो कुछ भी करो कि तू तो आत्मा को जला नहीं सकोगे, शरीर जल जाए। ये सनातन धर्मों का बेसिक चीज है। लेकिन मायावादी लोग ये मानता नहीं, बोलता है ब्रह्म में मिल जाएगा। अरे ब्रह्म में मिल जाएगा, काल प्रमाण कर दिया ब्रह्म में मिलना, तुम तो झूठा बात बोल रहे हो, ब्रह्म में कैसे मिल गया है, ब्रह्म में मिल गया बोल रहे हो, लेकिन ब्रह्म तो मिला नहीं, झूठा बोल रहे हो, तो ये संभव नहीं। तो ये सनातन धर्म का विशेष है, इसमें भगवान का नित्य विग्रह का शिकार है, सिर्फ शिकार नहीं अर्चन है, हर वक्त पूजन है। और देवता लोगों को अगर ठीक है महाराज जगन्नाथ का भोग हो गया, थोड़ा विश्वनाथ जी को दे दो। जैसे नंदग्राम में भगवान का मंदिर से प्रसाद निकला और उधर जो नंदीश्वर महादेव उसको दिया गया, ले लो उच्छिष्ट भजी। ये सब नौकर है चैतन्य महाप्रभु, खुद चैतन्य भागवत में ये सब है, चैतन्य चरितामृत में भी है, चैतन्य महाप्रभु खुद निमाई, ये सब जो लड़की है पूजा पूजन करे गोपी, उससे चैतन्य महाप्रभु जाके उसका फूल माला चंदन खुद ले लिया, अब बैठ गया हमको अर्चन करे, बोले तू गांव का हमारा भाई लगते हो, कैसा ऐसा हरकतें कर रहे हो, नहीं प्रभु को है आमा पूजो आमी दी बोबोर, अरे हमको अर्चन कर हम भर देंगे तेरा अच्छा स्वामी मिल जाए। अरे ये मजाक कर रहे क्या कर रहे, ये तो गांव का है सोची माता का लड़का है। महाप्रभु बोलता है नहीं मैं मजाक नहीं, महाप्रभु तो मजा नहीं कर रहा, ठीक सही कर रहे, लेकिन वो लोग मजाक समझा, महाप्रभु ठीक कर रहे लेकिन वो लोग समझा नहीं, क्योंकि देखा है निमाय जन्म लिया ये लिया, मायावादी संप्रदाय भी बोलता है कृष्ण का तो जन्म है, अरे कृष्ण का तो जन्म है, लेकिन जन्म लेने का साथ साथ भी ये गीता में भगवान बताया है, जन्म कर्म चौमे दिव्यम जो में व्यक्ति तत्व तो ये सब बताया, लेकिन ये लोग मूर्ख है जानता नहीं। निमाय कह रहे हैं कि देखो ये जो देवी मैया ये जो शंकर है ये सब मेरा नौकर चाकर है, निमाय कह रहे हैं, निमाय कह रहे हैं कि ये सब नौकर चाकर है मेरा, ये जो शिव जी है शंकर है और देवी है ये सब नौकर चाकर है, इसलिए बोल रहा हूँ हमको अर्चन करो हम वर दे देंगे, माला चंदन सब पहन लिया और नैवेद्य खाना शुरू कर दिया, ऐसे कैसा कर रहे हो, लेकिन उसको पता नहीं कि ये साक्षात परात्पर अखिलेश्वर है ना। तो सनातन धर्म का ये जो विशेष है और सनातन धर्म का अप्लाइड फॉर्म ये थोड़ा थोड़ा इसमें प्रैक्टिकली आप जाओ तो इसमें देखोगे, ये सनातन धर्म का ही विचार है, जे बाहरी दृष्टि में अपवित्र होके रहो तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकोगे, और किसी हड्डी को स्पर्श करो मृतदेह का कोई प्राणी का चलेगा नहाना पड़ेगा, है ना, टट्टी को स्पर्श करो को नहना पड़ेगा, वो उचित नहीं है। लेकिन सनातन धर्म का ये इंजांक्शन है आदेश है, गोमाता का जो गोबर है उसको चौका देओ, भगवान नहाता है गोमित्र देके, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये वेद का इंजांक्शन है, सनातन धर्म में ये इंजांक्शन है आदेश है। शंख जो है ये भी एक किस्म का हड्डी है कैल्शियम फॉस्फेट, लेकिन इसका बारे में कोई दोष नहीं, इसको मंदिर में रखो, क्यों, ये वेद का इंजंक्शन सनातन धर्मों का। और सनातन धर्म जो शंख बजाने का जो प्रोसीडियर है ये भी प्रैक्टिकली हम साइंटिफिक प्रमाण कर देंगे, जब शंख ब्लोइंग करते हो शंख बजाते हो उसके द्वारा साइंटिस्ट लोग देखे हैं कि ये बातास में बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं, प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोग देखे हैं कि ये बातास में जितना सारे जीवाणु हैं उसमें शंख बजाने के साथ साथ बहुत सारे डेंजरस जीवाणु मर जाते हैं, सहन नहीं कर पाते, उसका जो साउंड प्रोपागेट होते रहता है ना। तुलसी देवी को जहाँ रखो उसमें चारों ओर जाम नहीं आएगा,
ये सनातन धर्म का गुप्त रहस्य है। सनातन धर्म में ब्राह्मण वैष्णव गोमाता गंगा तुलसी इसको सम्मान दिया गया। अगर हमको पूछो हम एक एक करके साइंटिफिक ग्राउंड हम बता देंगे, एक एक करके विज्ञान भित्तिक प्रमाण हम कर देंगे। पहले आपका क्वेश्चन है ब्राह्मणों को क्यों सम्मान दिया जाए, क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपना स्तवों में ये सब बोला है, सुंदर स्तव किया है, भूसुर गणों ऐसा बोला है। इसका मतलब ये है, इसका कारण ये है, ये सनातन धर्म में वेदों का जो शिक्षा है, उपनिषद का जो शिक्षा है, ये ब्राह्मण छोड़ के बाकी लोगों का बस का काम नहीं। इसमें भी एक गुप्त रहस्य है, हम बता दें। ब्राह्मण हम बोलने का साथ साथ ये मत समझो कि जिसका जेन्युइन है वो ब्राह्मण, वो बारह मुन है, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का व्याख्या हमने 3-4 दिन पहले बोला, जो हर वक्त ब्रह्मों में विचारण करने वाले कोई आचरण का बाहर नहीं जाते हैं, हर वक्त एकदम ठाकुर जी का विश्वास रखते हैं और हर वक्त जजन जाजन सिखाना पढ़ाना पढ़ना ये सब विषय में जो लगे हुए हैं, दे आर एक्चुअली ब्राह्मण। एट प्रेजेंट जिसका जन्मी है वो महाराज दारू पी रहा है, जा रहा है इधर, हमारा हम ब्राह्मण है, तुम ब्राह्मण नहीं, बारह मुन हो, तुम्हारा बहुत वेट है, बारह मुन ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो कम से कम 7-8 पीढ़ी रहे, कम से कम इस कलिकाल में ठीक है, चलो कर दे 5 पीढ़ी तो भी ब्राह्मण नहीं हो सकोगे अगर उल्टा सीधा करोगे तो। इसमें एक विशेष आता है, अगर ना बोले तो उल्टा हो जाएगा, सनातन धर्म का व्याख्या ठीक नहीं, बड़ा बड़ा विद्वान लोग सुनेंगे ये सब विषय, हमारा दोष पकड़ेंगे, तो होने नहीं देंगे, है ना। तो ये सनातन धर्म का ये विशेष है, जो वर्णों और जो आश्रम है ये भगवान गीता में बताएं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। ये सोच लो, ये समझ लो कि वर्णों और आश्रम का जो सेग्रीगेशन है वो हमने की है। वाई क्यों की है ठाकुर जी, आपका क्या दरकार था, क्योंकि सत्ययुग में तो कोई वर्ण और आश्रम नहीं था, एक वर्ण था हंस, आपने विभाग क्यों, त्रेता युग का जब शुरू हुआ अंतिम में वो तब सेग्रीगेशन शुरू हुआ, और विशेष करके ये युग में वो जो वर्ण संकर मतलब वर्ण का मिलावट, ब्राह्मण चामार को शादी कर रहे हैं वो इसको, उस वर्ण संकर ऐसा फैल गया कि टुडे एट प्रेजेंट वर्ण संकर ऐसा फैल गया ह्यूज एक्सटेंसिव रूप में। तो इसमें कोई वर्णों और आश्रम का विशेष कुछ बचाने खूब नष्ट कर दिया इस बदमाश लोगों ने, ऐसा विधान शास्त्र में नहीं, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म में प्योरिटी रक्षा करने का, वंश का प्योरिटी रखने का ये उपदेश दिया गया। हमने जो ब्राह्मण के बारे में बताया, आपका अंदर में गलत फहमी होगा कि महाराज हम अगर क्षत्रिय रघुनाथ दास गोसाई वैश्य का लड़का था क्या वो लोग योग्य नहीं होगा, हमारा बात समझा नहीं, इसलिए हम डिटेल डिस्कशन चाहते हैं। सनातन धर्म का इतना सीक्रेसी है, इतना साइंटिफिक व्याख्या है, आप समझोगे नहीं। वो क्या है, सनातन धर्म ये नहीं बताया ब्लाइंडली कुछ करने के लिए बोलता है, साइंटिफिक बैकग्राउंड है। सनातन धर्म कह रहे हैं कि वेदों का ये सब विषय जो अर्चना आदि सब ये ब्राह्मणों का ऊपर छोड़ दिया गया, क्योंकि वो लोग विशेष इस विषय में लगे हुए हैं। अगर किसी ब्राह्मण का लड़का वो शूद्रों का मापी आचरण कर रहा है तो उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा। शास्त्रों में एक एक करके हम प्रमाण दे देंगे। वैशिष्ठ जी जब शरीर छोड़ा तो उर्वशी का कोख से जन्म लिए तो उसका क्या ब्राह्मणता था, एक एक करके हम उदाहरण दे देंगे। जे कुंभजोणी जो है किसको बोला जाता है, वो जो अगस्त हो, वो कहाँ से पैदा हुआ, कैसे ब्राह्मण हो गया हमारा, इसका तो पैदा होने का कोई ठिकाना नहीं। द्रोणाचार्य जो द्रोणों का अंदर में जो तीर को रखते हो ना वो झुड़ी, उसका अंदर में पैदा। तो साइंटिफिक व्याख्या क्या होनी चाहिए,
बोका का माँ भी कुछ बोल दे वो होगा नहीं। इसमें व्याख्या आता है बहुत सुंदर, कभी भागवत पूरा सुनने से ये सब पता चलेगा। अभी तो नहीं तो मिक्स्ड हो जाएगा। उधर बताया गया ये वर्णों और आश्रम का जो विशेष सेग्रीगेशन किया गया उसमें भी विज्ञान भित्तिक विचार है। जैसे गौतमी ऋषि का साथ, गौतमी ऋषि का पास जाबाल सत्व काम पहुंच गया। ध्यान देना, बी केयरफुल योर अटेंशन प्लीज। जाबाल सत्व काम पहुंच गया किसका पास? गौतमी ऋषि का पास। और रो रो के कह रहे कि ऋषि जी हमको भी आप चरण में स्थान दो, हम भी आप सीखना चाहे। देखो ये सब ऋषि बालक सब सीख रहा है, हमको भी इच्छा हो रहा है, तो हम क्या करें, हमको जगह नहीं दोगे? ऋषि ने पूछा तेरा कौन सी खानदान है, तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि क्या है? ये तो मेरे को पता नहीं। अरे पता नहीं, जा माँ को पूछ के। कौन है? पिताजी है? न पिताजी को देखा ही नहीं जन्म से। माताजी को देखा? माताजी है। जा पूछ के आ, तू ब्राह्मण का लड़का है कि क्या है? वो तो पूछने गया माताजी को, माताजी हम तो शिक्षा लेना चाहते हैं, ऋषि जी ने बताया जो आप पूछ के आ, तू किन किस खानदान का है पूछ के आ जा। तो हम पूछे आपको, हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय है कि शुद्ध है कि क्या है हम बता। माता ने दुख के मारे बताएं कि बेटा क्या कहूँ, ये तो कोई स्थिर नहीं है, मैंने बहुत सारे आदमी को सेवा किया, कैसे कब तेरा जन्म कैसे हुआ वो हम बोल नहीं सकता, पिताजी नहीं है। अच्छा ये बात है। और ऋषि जी वृक्ष का नीचे बैठकर वेदों का ऋचा जो है बता रहे हैं बच्चा लोगों को, ऋषि बालक को। इसी समय वो बालक उधर पहुँच गया, ऋषि जी ने उसको बुलाया, क्या पूछ के आया है? हाँ पूछ के आया है। कौन सी खानदान का है तू? तो मेरा माताजी ने ऐसा ऐसा बताया, हमारा खानदान का कोई पता है नहीं। सारे बालक हो करके हंसना शुरू कर दिया। ऋषि ने बोले चुप चुप हो जाओ, हंसो मत हंसो मत। बच्चा सब चुप हो गया। बेटा तू इधर आ, तू ही ब्राह्मण है। अरे खानदान का कोई पता नहीं कि ऋषि बोला यू आर ब्राह्मण, तू ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सिम्टम तेरा अंदर में है। ध्यान से सुनना, क्यों? शास्त्रों का विचार ये है, ब्राह्मणे आर्जव साक्षात शूद्रे अनार्जव लक्षणम। ब्राह्मणों में सत्यवादिता ट्रूथफुलनेस अगर नहीं है तुम में, तुम ब्राह्मण नहीं हो, शूद्र। ब्राह्मण घर में जन्म लिया लेकिन शूद्र हो तुम, तुमको ब्राह्मण नहीं बना जाए। तुम्हारा अंदर में विष्णु के लिए कोई प्यार नहीं है, समाज संसार में उत्पटन कर रहे हो तुम ब्राह्मण कैसे? गोकर्ण जी ब्राह्मण हैं, गौ माता का कोख से जन्म ली, फिर जन्म लिया फिर भी ब्राह्मण है, क्योंकि उसका क्रियाक्रम प्रमाण कर देता ही इस ब्राह्मण। लेकिन धुंधुकारी का क्रियाक्रम प्रमाण नहीं करता ही इस ब्राह्मण है, वो तो जन्म लिया ब्राह्मण कुल में लेकिन शास्त्र बोला नहीं वो ब्राह्मण नहीं। वो खुद भी स्वीकार किया, खुद स्वीकार किया ना, जो गोकर्णी के सामने आकर रोना शुरू कर दिया, तब तो क्या बोला, अहम भाता तदीयस्मी धुंधुकारी तिनामतः सकियन नैव दोषेण ब्रह्मत्तम नसितम मया। ये तो बताया, कौन बताया? हमने नहीं बताया, धुंधुकारी जी स्वयं बताया, पेताता बताया। क्या बताया, क्या खास है इसमें? अहम भाता तदियो अस्मि, तदियो माने आपका भाई हूं मैं, धुंधुकारी थी ना हमारा, हमारा नाम धुंधुकारी, आप तो प्रेताता जोनी में गया, हम भैया हमको बचा लो। क्या कैसा बोले, अहम भाता तदियो अस्मि, तुम्हारा भाई है, आपका भाई हूं मैं, धुंधुकारी थी नाम था। आ स्वकीय नैव दोषे न ब्रह्मत्व नसितम मया, हमारे जो ब्रह्मत्व ब्राह्मणता, ये सारा हमारा अत्याचार के द्वारा हमारा सारे सत्यनाश हो गया। नाउ आई एम नॉट ब्राह्मण, है ना? ब्राह्मण का जो क्रियाकर्म इसके द्वारा प्रमाणित होगा वो ब्राह्मण है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वैश्य कुल में पैदा हुआ लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण है ना? खत
क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ कोई आदमी वो भी ब्राह्मण तो हुआ, भागवत में बहुत सारे प्रमाण है ना। ऐसे हम प्रमाण दे देंगे, ऋषभ जी का कितना पुत्र था, 100 पुत्र, ऋषभ जी का 100 पुत्र, 100 पुत्र में एक है जरभरत हैं, बाकी नवयुगेंद्र हुआ, बाकी 81 सब ब्राह्मण बन गया। अरे कैसे बनेंगे, ऋषभ जी तो क्षत्रिय कुल का है, वो खानदान आ रहा है, ऐसे महाराज कैसे हुआ। हाँ ऐसे ही हुआ, सनातन धर्म का एप्लीकेशन बता रहे हैं तो हम धोखा नहीं दे सकता, साइंटिफिक बैकग्राउंड, समझा मेरा बात। 81 पूरा शुद्ध ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण का वो ब्राह्मण हो गया, तो कैसे होगा, बोले ही तो नियम है, जिसका अंदर में ब्राह्मण का क्वालिटी क्वालिफिकेशन देखा जाए। शास्त्र में बताया वर्णानाम विशेषण अस्ति, वर्णानाम विशेषण अस्ति, युधिष्ठिर महाराज का था, नहुष राजा का बातें चल रहा है, नहुष राजा युधिष्ठिर महाराज का पूछते हैं राजन एक्चुअली ब्राह्मण किसको बोला जाए, ब्राह्मण क्या शरीर है, क्या सूक्ष्म शरीर है, क्या है ब्राह्मण क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने बोला देखो आदमी का जो जन्म लेने का जो रहस्य चल रहा है ना, ये मैया का कुख में वो जन्म लिया, वो मैया का कुख में जन्म लिया। युधिष्ठिर महाराज ने बोला देखो इस समाज संसार में वर्णानाम विशेषण अस्ति, ये वर्णों का कोई विशेष है नहीं, फिर भी विशेष है, किस लिए नहीं, क्योंकि कोई भी माताजी का कोख में किसी व्यक्ति किसी संतान का जन्म दे दे, क्या करे, मेरा बात समझा। ब्राह्मण का लड़की है, उसका अंदर में किसी मुसलमान ने उसको जन्म दे दिया, जैसे पूरी का इतिहास में है ना, उसका नाम क्या है वो भूल गया, वो जन्म लिया, हाँ ठीक, सालबेग हो गया, वो ब्राह्मण का माताजी और किसी बादशाह ने उठा के ले गए, वो जन्म हुआ तो क्या करे, लेकिन उसका अंदर में ब्राह्मण की क्वालिटी है, देखने में मुसलमान बाहरी में, ये तो माना नहीं जाएगा, ये हमारा सनातन शास्त्र में जब भी है। और रास खान जैसे हैं, उसका अंदर ब्राह्मण का पूरा क्वालिटी देखा गया, समझा मेरा बात। तो ये जो है युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं देखो महाराज किसी मैया का कोख में किसी व्यक्ति ने किसी जीवात्मा को जन्म दे दे, शूद्रों का शूद्र जनानी का कोख में किसी का जन्म दे दे, तो उसका कोई अगर उसका अंदर में ब्राह्मण का क्वालिटी देखा जाए समाज संसार में सनातन धर्म में, ये साइंटिफिक विषय है, पहले जमाने में यही नियम था, किसी का अंदर में राजा का बेटा इसका अंदर ब्राह्मण का क्वालिटी, उसको ब्राह्मण बना दिया गया, तू ब्राह्मण है। लेकिन बाद में उल्टा सीधा चला, जैसे वैशिष्ट मुनि का पास विश्वामित्र मुनि आके जोर जोर जबरदस्ती किया, हमको आप ब्राह्मण बोल के स्वीकार कर लो, वैशिष्ट मुनि आप तो हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपका ये अवस्था नहीं हुआ, ब्राह्मणों में समो दमो शौचो सरलता आर्जव ये सब गुणावली है आपका अंदर में नहीं, क्या आपको देना पड़ेगा, अरे हम जोर जबरदस्ती दे नहीं सके। वैशिष्ट मुनि का जितना सारे लड़का है उसको मार डाला, कौन ये, क्योंकि हमको स्वीकार नहीं किया। बाद में एक दिन एक चांदनी का रात, चांदनी भरी रात है, उस समय में अरुंधति और वैशिष्ट मुनि बैठ के पति पत्नी थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, बड़ा सुंदर पेड़ का नीचे उतना सुंदर परिवेश है चारों ओर, पुष्पगंध है बहुत तो सुंदर। इसी समय में ये ऋषि आए हैं मारने के लिए, आज इसको ही उड़ा दे, क्या आए हैं विश्वामित्र मुनि जो आज इसको ही हम खत्म कर देंगे। जब आए तो पीछे में बैठ कर देखते क्या चर्चा कर रहा है, तो चर्चा में क्या विषय आया, वैशिष्ट मुनि कह रहे हैं कि ये जो गांधी नंदन, ये जो हमारा वो कौन
विश्वामित्र मुनि ये जो भजन कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, ये आज का जो चांदनी है ऐसा जैसा चारों ओर रोशनी फैल रहा है, इतना सुंदर तपस्या करे। वो सोचा रही जिसका 100 लड़का को हमने मार डाला वो मेरा प्रशंसा कर रहे, कैसा बात है, हमने तो गलती कर दिया। और तुरंत जाके अस्त्र फेंक कर पैर में पकड़ लिया, हम क्षमा कर दो ऋषिवर, हमने अन्याय किया, हमने ब्राह्मण होने का यज्ञ नहीं है, यज्ञ नहीं है, हमको क्षमा कर दो, हमने उल्टा कर दिया, अपराध क्षमा करना। वशिष्ठ मुनि ने उसको हृदय में लगा लिया, आज आपको माना जाएगा आप ब्रह्मर्षि हो, जोर जबरदस्ती होगा नहीं, गुरु जी हमको संन्यास दे दो, गुरु जी हमको ये बना दे। साधु को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, नहीं तो पूरा रेगुलेशन पानी में जाएगा। एक एक करके उदाहरण दिया हमने, सनातन धर्म में जो आदेश है ब्राह्मणों को मानना चाहिए, मानना चाहिए, किस लिए, क्योंकि ब्राह्मणों का जवान पे भगवान बोलता है जे ब्राह्मणों का मुख में मैं रहता हूं, है ना। वेदा में वचनम विप्रा मुखम है, विप्रा मुखम गावो स्तनुर्ममो जुयम अंगाणी देवहा है आर साधवो असवो हृदय। कौन बताया, साक्षात ठाकुर जी ने, ठाकुर जी ने साक्षात बताया, देखो सुन लो। पहले ठाकुर जी बोल रहे हैं, संगीता में आता है ये बात, ठाकुर जी इंपॉर्टेंट गर्ग मुनि का लिखा हुआ। बोले वेदा में वचनम विप्रा, वेदा में वचनम, वेद मेरा वचन है, विप्रा मुखम, विप्रा हम मतलब जब ब्राह्मण है मेरा मुख है, किसी वास्तव ब्राह्मण को खिला दो भगवान संतुष्ट हो जाए, जोर जबरदस्ती मत करो। वेदा में वचनम विप्रा मुखम गावहो स्तनुर्म, क्यों गौ माता को माने, अरे माने इसलिए कि वेदों में है, शास्त्रों में है, गौ माता का शरीर में तमाम देवता का निवास है, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं, मानोगे नहीं। गौ माता के ऊपर किताब निकला ऋषि, ओ चंडीगढ़ से ले लेना, मंगा लेना फोन करके ऋषि से, सब एक एक करके पढ़ना, कितना सा साइंटिफिक बैकग्राउंड है उसमें, हिंदी में वो छपा है, बंगला में वही अंग्रेजी हो रहा है अभी। तो ये जो है ठाकुर जी स्वयं बोल रहा है, गौ माता मेरा शरीर है, को गौ माता को काटे कष्ट दे तो मेरा नहीं देनी चाहिए, वो भी देसी गौ माता, क्योंकि जो विदेशी गौ माता है वो एक्चुअली गौ माता नहीं है, क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीडिंग है, वो एक्चुअल गौ माता नहीं है, उसका दूध पीना भी डेंजरस है, कैंसर हो सकता है उसका, साइंटिस्ट लोग परीक्षा करके देखे, उसका दूध में भी बड़ा डेंजर है, कैंसर हो सकता है, लेकिन देसी गौ माता का जो दूध है वो पीनी चाहिए, वो तो माता, तो हम अपना जन्मदात्री माता जी से भी गौ माता को ज़्यादा मानती हूँ, गले में लगा के चुम्बन करता हूँ, आदर करता हूँ, क्यों, चरण धूलि लेता हूँ कि हमारा माँ से बढ़कर, क्योंकि हमारा मैया ने हमको पालन किया, गौ माता में कोई विभेद नहीं किया, हमको भी पालन करता है, आपको भी करता है, गौ माता सबसे बड़ा माता। वेदों में बताया गया कि गौ माता का अंदर में पूरा ब्रह्मांडों का एक स्वरूप दिखाया गया, ऋचा है, किताब को ले लेना, उसका अंदर में डाल दिया मैंने, गौ माता का स्वरूप का अंदर पूरा ब्रह्मांडों का भावना दिया गया वेदों में, बड़ा आश्चर्य का। इसलिए सनातन धर्म में वेदों का मान्यता है, नॉट ओनली दैट, राम जी कृष्ण भगवान गौरांग महापुर सारे के सारे गौ माता का पूजन किए हैं, किसी ने गौ माता को अत्याचार नहीं की है, गौ माता का चरण धो लिए, विशेष के कृष्ण तो जैसे मैया का स्तन में मुख लगाकर पीते हैं बच्चा, ऐसे कृष्ण भगवान ने की है, माँ तो माई है, ऐसा भावना होनी चाहिए। सनातन धर्म का अंदर में जितना सारे साइंटिफिक विषय है,
क्या बताऊं, ये जो चेटी रखना ये भी साइंटिफिक विषय है। सब कौन किस बचाओ, आचार आचरण जो है सुबह में नहाना से लेकर सूर्य उदय का पहले आन्निक संदन संध्या वंदन करना से लेकर व्हाट नॉट एवरीथिंग आई कैन प्रूव इट इज ऑल साइंटिफिक। सब प्रसाद छोड़ के नहीं पाना और प्रसाद में भोग में तुलसी डालना, पानी में तुलसी डालना, सब इसका अंदर में एक एक करके साइंटिफिक बैकग्राउंड है। उपवास करना, ये जो एकादशी एकादशी में उपवास करना, ओ जो कुछ भी है सब साइंटिफिक बैकग्राउंड है। एक एक करके सुबह में उठना से लेकर चेटी रखना, कपड़ा कैसे पहनना, नहाना कैसे, बैठना कैसे, ऑल रेगुलेटेड बाई सनातन धर्म, नॉट ए मैटर ऑफ जोक। सनातन धर्मों का जो विज्ञान भित्ति व्याख्या करने जाए तो कहाँ तक बोले हम, कहाँ तक बताए, आश्चर्य की बात है। सनातन धर्म में ब्राह्मण वैष्णव साधु संतों गोमाता गंगा जमुना सरस्वती सारे एक साधु को ख्याल करना, कोई नदी को पार करे तुरंत दंडवत करे, किसी साधु महात्मा कोई नदी को पार करना चाहे तो उसमें नदी को पहले दंडवत कर ले क्योंकि आपको पछड़ गया। मैं ऑर्डिनरी आदमी तो म्लेच्छ हो गया, सब म्लेच्छ हो गया, सब विदेश का नकल कर रहा है, मूर्ख नंबर एक, सब विदेश का नकली कर रहा है, सब विदेश का नकली कर रहा है, कोई किसी के अंदर में असली चीज है नहीं। लेकिन हमारा परंपरा में सनातन धर्म का परंपरा में जो विशेष है वो जानोगे तो हैरान हो जाओगे, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इतना बोका है। भगवान जब खुद बताएं कि देखो वेद मेरा वचन है और विप्रो ब्राह्मण जो है वो मेरा मुख है, क्योंकि ब्राह्मण वैष्णवों का मुख से मैं खाता हूँ, और क्यों वैष्णव ऐड कर दिया है शब्द, क्योंकि वैष्णव होने से ब्राह्मण ऑटोमेटिकली, क्योंकि 100 रुपये का अंदर 10 रुपये का नोट तो रहता ही है, 100 रुपये का नोट का अंदर 10 रुपया है ये बोलने का कोई जरूरी है नहीं, इट इज ऑटोमेटिकली देयर, है ना। इससे वैष्णव शब्द आता है, ब्राह्मण वैष्णवों को खिला दो तो ब्राह्मण भगवान संतुष्ट हो जाता है। भगवान बोलता है खुद, हम ब्राह्मणों का मुख से आहार करता हूँ, वेदा में वचनम विप्रा मुखम अर्गावहो स्तरु तनुर्ममो, ये गो माताएं हैं, ये मेरा माता है अंगाणी, ये जो है गावहो स्तनुर्ममो, ये मेरा शरीर है, भगवान बोल रहा है गो माता का अंदर मैं निवास करता हूँ, इसको काटो मत। चैतन्य महाप्रभु इसका युक्ति दिया, काजी का साथ जब चर्चा हो रहा था, काजी को प्रमाण किया, काजी बोले आपका वेदों में तो गो माता का काटने का विधान है, नहीं विधान नहीं, आपने गलत समझा, वो जो पहले जमाने का गोमेद आदि है उसमें ऋषि लोगों ने वृद्ध गो माता को सेक्रीफाइस करके पुनर्जन्म दे देते थे, नया शरीर मंत्रों का बल पे नया शरीर दे देते थे, नहीं तो एक गो माता को काटोगे तो तुम्हारा अनंत काल और गोमाता का शरीर में जितना लोम राशि है उतना नरक में तुमको रहना पड़ेगा, कोई निस्तार नहीं है तुम्हारा। गावह स्तनुर्ममो अंगाणी यूयम लिम्स, हमारा अंग पतंग जो है तुम देवता लोग तुम हो, कैसा सुंदर बताया। और साधु हो, जो वास्तव साधु है वो तो मेरा प्राण है, साधु हो असवो हृदय ममो, क्या कहूँ साधु का बारे में, साधु तो मेरा आत्मा है, शरीर अंदर जो आत्मा है, ये जो असोबो, ये जो बहुवचन व्यवहार किया संस्कृत में एक विशेष है, आत्मा का बारे में कुछ लिखने जाओ इसमें बहुवचन लिखना ही चाहिए, पानी का बारे में वर्षा पानी आदि पानी के बारे में बहुवचन ये आएगा, ये इसका विधान है, इसको बोलता है व्याकरण का विधान है, इसलिए साधु हो ये साधु लोग जो है
हमारा हृदय है। अशोभो बोला, बहुवचन बोल दिया। आत्मा को सिंगुलर नंबर में बताया नहीं जाता संस्कृत में, बहुत सारे सीक्रेसी है। साधवो हृदय मोस अशोभो हृदय, ये साधु लोग मेरा हृदय का टुकड़ा है, हमारा आत्मा है। तो जब ऐसा बताया, ठाकुर जी स्वयं बताया, और जितना सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वेदों में, वेदांत में जो कुछ भी है, उपनिषद में सारे, ये जो है इसका आदेश निर्देश जो है, ये सनातन धर्म में सबको ये पालन करना चाहिए। वेदों में, उपनिषद में, विशेष करके जो साधु लोग वेद का तात्पर्य जो अनुभव करके जो बताए, क्योंकि स्वयं आप वेद पढ़ने जाओ यू कैन गेट कन्फ्यूज्ड इन इट, क्योंकि बहुत सारे बातें बताएगा, कभी योग का बारे में, कभी ये बारे में, वो बारे में। तो भाई महाराज जी तो वेदों में है, वेदों में है। अरे हाँ वेदों में है, लेकिन ये जो बताया गया, भगवान स्वयं बोले वेदों में तो, वेद तो ओपन टू ऑल ना, सब कोई को शिक्षा के लिए, जिसका जितना ग्रेड है, तरक्की जितना हुआ है उसी लिए। लेकिन असलियत में मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि तुम लोग जो ये सब कर रहे हो, इसका पीछे एक राज है, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में इसको प्रविष्ट कराने का चक्कर है, समझा नहीं। ये जो शादी करना, यज्ञ करना, ये सब करना, हाँ वेदों में तो है ही महाराज, हाय। लेकिन इसका पीछे एक रहस्य है, भगवान बोला ये जो दिया है विधान, क्या करे, एक एक आदमी का एक संस्कार है, वो तो मानेगा नहीं, उसके मुताबिक चले, कम से कम चले, उसके बाद उसका रेगुलेट करते करते उसको इस अवस्था में लाया जाएगा। मतलब वेदों का जो आदेश, इसमें यज्ञ करो, ये जो करो सब कुछ है, यज्ञों में सेक्रीफाइस करो, उसमें मांस भोग दिया जाएगा, उसको खाओ, ये सब है। लेकिन ये जो है, ये इसमें विशेष कुछ नहीं है, इसका रेगुलेटेड, उसको रेगुलेट करके अंतिम में भगवान का चरण कमल में ले जाने का चक्कर है। जैसे एक बच्चा एक कड़वा मेडिसिन नहीं खा रहा है, बिल्कुल नहीं खा रहा, वो बच्चा का साथ मैया लड़ाई कर रही है कि वो मानते नहीं। बाद में मैया ने एक प्लान कर ली कि इसको लड्डू पसंद करता है, एक काम करे, लड्डू देंगे, वो खाए तो कहाँ, लड्डू दिखाओ पहले, आए तो ही देख, लड्डू हाथ में है, बोला दो, नहीं पहले मेडिसिन खा उसके बाद देंगे। तो मेडिसिन खिलाया, उसके बाद लड्डू हाथ में दिया। तो माता जी का ना तो लड्डू खिलाने का कोई चक्कर है, कुछ नहीं है उद्देश्य, अब बच्चा को कष्ट देना ये भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि दवा, इलाज, दवा उसको खिला के उसको जो बीमारी हुआ उससे छुटकारा मिले। वेदों में जितना सारे जो इंजंक्शन है बताया है, उसका साइंटिफिक व्याख्या चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्व में, उसका जो परंपरा है उसका अनुगत्व में आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, बाकी जगत में किसी जगह इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, समझा मेरा बात। ये तब का जमाने में ब्राह्मण वैष्णव में इतना पावर था कि क्या कहे। सनातन धर्म में एक विशेष है, ये अगर ना कहे तो अधूरा रह जाएगा, शब्द ब्रह्मों का विशेष है। शब्द ब्रह्मों हम कहाँ तक कहे, महीना तक बोलते चले तो खत्म नहीं होगा, इतना गंभीर विषय है। सनातन धर्म में भगवान का नाम उच्चारण करने का विधान है। क्यों बोल, जब भगवान का नाम, भगवान और भगवान का नाम अलग कुछ नहीं, एक ही है, ये सनातन धर्म में मान्यता है, बाहरी दुनिया में नहीं है। आज सनातन धर्म का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है मायावादी लोग वो भी मानता नहीं, समझा मेरा भाई। सनातन धर्म में ये विशेष है, भगवान का नाम जप करो, नाम ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ये जप करते चलो, तुमको आज नहीं तो कल नाम जपते जपते तुम्हारा मंगल हो जाएगा, ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। नामोस चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्न त्वात् नाम नामिनो, कितना सुंदर विचार है। नामोस चिंतामणि, क्यों नाम चिंतामणि है, नाम करते करते उल्टा सीधा चिंता वो पूर्ति हो जाएगा, भगवत प्रेम नहीं मिले, नामाभास हो जाए, नामाभास में मुक्ति तक हो जाए, नामापराध हो उसमें पैसा बढ़ जाएगा तुम्हारा जिंदगी में,
नामावास में पैसा दे के ठाकुर जी ठोक के तुमको नरक में ले जाए, जा नरक में पैसा दे देगा, बड़ा पस्पारिटी हो जाएगा, मर। नामावास हो, नामावास में मुक्ति होगा, कम से कम नामावास हो जाए तो फिर भी बच जाओगे, और नामापराय होते रहे तो मरोगे बस। इसका बारे में बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत लंबा, ये एक दिन में बोलने वाला चीज़ नहीं है। तो एक्चुअल नाम होने से फायदा है, क्यों? एक्चुअल नाम और नामी, राम और राम का नाम, दोनों में फर्क नहीं है। कृष्ण भगवान और कृष्ण के नाम से कोई फर्क नहीं है, अपरागिक जगत का ये विशेष है। इसका बारे में शब्द तत्व बताया था, हम बताया था शब्द तत्व, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अथो तो शब्द जिज्ञासा है, हमने बताया था कि भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में है। सनातन धर्म में ये विशेष विचार है, मायावादियों के अंदर में ये विचार नहीं है। सनातन धर्म के अंदर में ये विशेष विचार है, ठाकुर जी का नाम जो है और ठाकुर जी स्वयं है, ये अभिन्न है, वन एंड द सेम, समझा? आइडेंटिकल बोलो ये भी चलेगा नहीं, वन एंड द सेम, ये शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, एक एवं अभिन्न है। ये जो हरिनाम होता है ये परंपरा से मंत्र ब्रह्मा जी को मिला था, ठाकुर जी बोला ब्रह्म संहिता में, कृष्ण हित चतुर्मुख है, कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हित नारदेर मूर्ति, ये सब बहते नारद होते व्यास मध्य कह वैसे ऐसे आ रहा है हमारा। ये परंपरा को छोड़ दो तो सनातन धर्म में आप विच्युत हो। सनातन धर्म मानता है कि परंपरा के अनुसार तुम्हारा सिद्धि मिलेगी, नहीं तो उठपटांग अपना हिसाब के अनुसार करो, होगा नहीं। परंपरा को मान्यता देनी चाहिए, परंपरा का अंदर जो विशेष है मंत्रों का विशुद्ध भाव बहते आ रहे, परंपरा को काट दो इसका अंदर में विशेष है। जैसे आजकल का जमाना परंपरा क्या है पता नहीं चलता, सब तोड़ फोड़ के सब उल्टा हो गया। इसीलिए भागवत परंपरा और मंत्र परंपरा को हमारा प्रभुपाद जी ने जोड़ के दिखाया, अभी तो उत्पट होगा, इकली काल है, मंत्र का पावर नहीं रहेगा। एक महापुरुष से जो मंत्र प्राप्त होता है वो मंत्रों में पावर होता है। जैसे वीर्य नहीं रहने से कोई पुरुष किसी बच्चा को जन्म नहीं दे सकता, दे सकता? शास्त्रों का ये विधान है, ये नपुंसक को कन्यादान मत करो, नपुंसक को कन्यादान मत करो, ऊषर भूमि में बीज बपम मत करो, ऊषर भूमि में बालुका में बीज लगाओ मत, क्योंकि फायदा नहीं है। बालुका में अगर बीज लगाओ पानी दो कुछ भी नहीं होगा, कि बालुका में तो कुछ होगा नहीं। और नपुंसक व्यक्ति जिसका ना पुरुषत्व है ना स्त्रीत्व है, उसको अगर कन्यादान करोगे तो कोई फायदा नहीं, तो कन्या भी रोएगी और संतान भी नहीं पैदा हो। और अपात्र में मंत्रोदान नहीं करना, ये सनातन गोस्वामी का विधान है। किसी अयोग्य व्यक्ति को कभी मंत्र नहीं देना, इसमें बड़ा हंगामा हो जाएगा समाज संसार में। जैसे हम बताया था सुबह में, दिव्य ज्ञान का मिसयूज करना शुरू कर देगा, सुबह में बताया था, दोज हु आर कमिंग टू गो इन गौड़िया मठ विथ अ मोटिव टू मिसयूज द डिवाइन नॉलेज अवेलेबल इन दिस गौड़िया मठ, विथ देम गौड़िया मठ हैज नो कनेक्शन। अपराकित, हमने ये गुरु का दीक्षा लिया है, अरे तुमको बोलने का भी जरूरत नहीं। जो पक्का शिष्य है, जो जगह बैठ जाए, लोग पूछेगा ये किसका शिष्य है, इसका इतना पावर है, इतना तेज है, किसका शिष्य है, वो बोलेगा नहीं। सनातन रूप चिल्लाया नहीं, हमारा गुरु जी है, हमारा गुरु जी है, उल्लू का माँ भी चिल्लाता है, गुरु जी का कोई आदेश निर्देश पालन नहीं करता है, गुरु जी है, गुरु जी मायावादी है सब। क्या सनातन को समय एडवर्टाइजमेंट किया, मेरा गुरु जी है, मेरा गुरु जी है, गुरु सेवा करके दिखाया, सब दिखा हुआ है, नाटकबाजी। तो ये जो है हरिनाम का ये जो बीज है, नाम विग्रह, नाम विग्रह स्वरूप, तीने भेद नाई तीन चिदानंद रूप, ये सनातन धर्म का विशेष है। नाम भगवान का, नाम भगवान का विग्रह, भगवान का स्वरूप, तीन एक है। ये बैठा हुआ है कोई
बद्ध जीव बोलेगा महाराज पत्थर का विग्रह है, ये बोले महाराज लकड़ी का है, लेकिन कोई संत महात्मा ये नहीं बताएगा साक्षात माधव जी है, क्योंकि उसका नजर ऐसा ही है। इसलिए देखो सनातन धर्म का जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है इतना गहरा है पागल बन जाओगे। कोई भी साइंटिस्ट का हिम्मत नहीं है सनातन धर्म का जो फाउंडेशन है उसको बिगड़े। और एक बात कह के मैं विश्राम देना चाहूँ, इसमें ये विशेष है ये सनातन धर्म का ऊपर इतना सारे अत्याचार होते आ रहा है, कितना भारतवर्ष में ईसाई लोग आए मुस्लिम लोग कितना अत्याचार हुआ बोलो, भारतवर्ष का ऊपर कितना अत्याचार हुआ, सब बाहरी आदमी आए पारसी से ग्रीस से इधर से सब आके तोड़ फोड़ कर दिया। गजनीश ने तो 18 बार आक्रमण किया, कौन ये सोमनाथ मंदिर लूट लिया, उसका बाद भी सनातन धर्म का ऊपर कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि सनातन धर्म नित्य है। इतना अत्याचार है, मुसलमान लोग आए एक एक आदमी को छुरी पकड़ के बोल मुस्लिम धर्म घोंट करेगा कि नहीं काट फेंके, ठीक है महाराज, कितना आदमी को सोड देखा का सोड काट के फेंक देंगे बोल लिया सब, कितना आदमी हमारा बंगाल में है बोला महाराज हम पहले हिंदू था मुस्लिम हो गया क्या करे काटने आया था, ऐसा करके हमको मुस्लिम बनाया। क्रिश्चियन लोगों ने आया पैसा लेके, ए तू गरीब है नौकरी चाकरी नहीं मिले एडुकेशन नहीं मिलेगा तू क्रिश्चियन हो जा हम तेरा खानदान को पढ़ने का व्यवस्था कर दें सब व्यक्ति क्रिश्चियन बना दी। बुद्धिस्ट लोग बहुत अत्याचार किया, अब बुद्धिस्ट जो है बुद्धो धर्म जो है अभी लिमिटेड हो गया, जाभा द्वीप में जापान में चाइना में थोड़ा हो गया, बाकी सब आस्ते आस्ते धीरे धीरे जितना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होते रहेगा हमारा आचरण होनी चाहिए बस इतना, बाकी सनातन धर्म ऑटोमेटिक होते रहेगा क्योंकि वो साइंटिफिक है। भारतवर्ष में जितना सारा अत्याचार हुआ है सनातन धर्म के ऊपर इतना अत्याचार किसी धर्म के ऊपर नहीं हुआ, फिर भी सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया आज तक सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया। उल्टा क्या हुआ, म्लेच्छ देश से विदेश से सब आदमी आके बोला महाराज हमको रक्षा करो बचाओ हम सनातन धर्म का आश्रय ले ले, क्यों वो समझ गया कि ये छोड़ के दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सनातन धर्म में बैकग्राउंड है साइंटिफिक बैकग्राउंड, कुरान में कुरान सफी में ये विशेष बात है एक ऋचा है उसमें बताया गया अल्लाह ने अपना मुताबिक मानव जाति को बनाया। अब बाइबल हमने बचपन में पढ़ा था उसमें भी लिखा है गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन इमेज, लिखा हुआ है बाइबल में भगवान अपना स्वरूप के अनुसार मानव जाति को बनाया बाइबल में है, और तुम्हारा ओ तुम्हारा कुरान साफी में भी है, लेकिन ये लोग मानता नहीं ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है। अरे कौन बोला, चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण किया काजी के सामने और वहाँ एक गोकुल में एक रस जो चर्चा हुआ था एक ब्राह्मण हुआ उसको वो परा काफी पठान वैष्णव हो गया उसका नाम पठान वैष्णव महाप्रभु प्रमाण किया तुम्हारा अंदर में ही भगवान का स्वरूप का मान्यता है, तुम्हारा शास्त्रों में भी भगवान का नित्य स्वरूप का मान्यता है, लेकिन आप मानते नहीं हो किस लिए। और ये जो है आपका जो कुरान साफी है वो लोग मानेगा नहीं, तर्क उठाता है चेंज कर देता है, आदि कुरान साफी लाओ उल्ट उराना जमाने का आज से 500,000 साल पहले हम दिखा देंगे उसमें खुल के, उसमें फतेमा हजरत महम्मद का स्त्री एक फतेमा एक स्त्री और भी स्त्री थी फतेमा अल्लाह को दर्शन किए श्यामल वर्ण श्याम सुंदर फतेमा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दर्शन की मूर्छित होके गए, लेकिन वो लोग मानेगा ले काटा पीटी करे
है उधर लिखा हुआ है। फतेह माँ ने अल्लाह को दर्शन की, अल्लाह का जो स्वरूप है श्यामल वरण अपूर्व रूप देखा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और गिर गया मूर्छित हो। वो लोग मानेगा नहीं, चिल्लाएगा। ऐसा है कि हमारा सनातन धर्म में जो कुछ है वो लेने के लिए जगत अगर आए तो मालामाल हो जाएगा। हमारा लेने का कुछ नहीं, विदेश का फिलॉसफी से हम कुछ ले, उल्लू का माफिंग हमको लेने का कुछ नहीं है। हमारा अंदर में जितना खजाना है सनातन धर्म का अंदर, ये बोला नहीं जाएगा। और ये सनातन धर्म नित्य है, ढंग से नहीं होने वाला, लेकिन बुद्ध धर्मों क्रिश्चियन धर्मों सारे आज नहीं तो काल ढंग से हो जाएगा, ये रहेगा नहीं। और बाइबल में, बाइबल पढ़ो तो उधर जीसस का इस कभी नहीं बोला हम ईश्वर है। बाइबल पढ़ के देखिए तो उल्टा चिल्लाता है। बाइबल में एक भी जगह नहीं है जो हमने पढ़ा बचपन में, बाइबल में एक भी जगह नहीं है जहाँ जीसस का इस खुद बोला हम ईश्वर है, बोला हम ईश्वर का पुत्र है, ऐसा बताया हम ईश्वर का पुत्र है। और आजकल के जमाने में सनातन धर्म का सहारा लेकर एक्स मिशन वाई मिशन सब प्रमाण कर देता है, हमारा जो ये जो ये है हमारा गुरुजी वो साक्षात ईश्वर है, प्रमाण कर देता है एक्स मिशन का। कर्म मार्गी है, विदेश गया अमेरिका में भाषण दिया, लाओ भाषण के मेरा सामने लाओ, का है भाषण में क्या रखा है, उल्लू का पट्टा सब। वो जो भाषण दिया उसको क्लैपिंग हुआ, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उसमें जो तालियां गिनी वो भी उल्लू है, तुम भी उल्लू हो, लाओ अमेरिका का चिकागो का जो भाषण है उस पढ़ के देखो हमारा सनातन धर्म में भी क्या विशेष है, उन्होंने क्या बता क्या है, तुच्छ कर्म मार्ग का कुछ चीज बता के आए। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, ठाकुर जी को प्रे करते हैं, हो गॉड सप्लाई आवर डेली ब्रेड। अरे ठाकुर जी को नौकर बना दिया, सप्लाई आवर डेली ब्रेड। हमारा सनातन धर्म में ऐसा नहीं, हमारा सनातन धर्म में देने का चक्कर, ठाकुर जी ले लो ले लो ले लो तुमसे ले, ऐसा बात नहीं है। समझा मेरा बात, उधर लिखा हुआ है ओ गॉड सप्लाई आवर डेली ब्रेड, ऐसा माफी की फिलोसफी बोल के आया था। जो आनंद बोलता है विवेक का आनंद, वो विवेक नहीं है। असली विवेक का आनंद तो तब होता है जब भक्ति होता है, वो विवेक तो नहीं है, अविवेक है। अविवेक का आनंद बोला जाए तो उसका नाम तो अच्छा रहे, तो क्या नाम दिया जाए, ये तो बात है। विवेक तो तब होता है जब भक्ति पैदा होता है भगवान के लिए, वो तो नहीं हुआ तुम कैसे विवेक का आनंद तुम कैसे प्राप्त कर लिया, जो टाइटल लगा लिया तुमने ऐसा, तुमने मछली मांस खाया सब खाया और जीवे प्रेम करे जय जौन सही जम सही जय, तुम हिंदू हमारा सनातन धर्म का बदनाम ही कर दोगे। तुम तो हिंदू हमारा जो सनातन धर्म का बदनाम ही कर दोगे। तुम खुद बता रहे हो जीवे प्रेम करे जय जौन सही जन सेवी जय ईश्वर, जो जीवों में प्रेम करता है वो ईश्वर को सेवन किया, तो ईश्वर का नित्य स्वरूप को मानते नहीं हो तुम। और तुमने क्यों मछली मांस खाया, वो क्या जीव नहीं है। तुम जो मछली खाया तब तुम्हारा ख्याल नहीं था, हम प्रवचन दे दिया महाराज हम अगर खाए तो हमको जूता पड़ेगा, क्यों बोला था जीवे प्रेम करे जय जन सही जन सेवी जय, क्यों बोला झूठा बात। क्या मछली मांस जो खाया था वो जीव नहीं है, उसको काटते तुम खाया, फालतू बातें कर रहे हो। सनातन धर्म का नाम से सब उठपटांग चल रहा है, चारों ओर उठपटांग चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं है रोके, इसको रोको। सनातन धर्म क्या है प्रमाण दे दे हम, ये सा सनातन धर्म है। बड़ा आनंद होता है, हम सनातन धर्मी है। भागवत धर्मो सनातन धर्मो आत्मधर्मो जैव धर्मो वैष्णव धर्मो सब एक ही है। काल इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, काल हम चर्चा करेंगे, बहुत सारे बोलने का है लेकिन समय तो दिया नहीं, मैं क्या करूं, इसमें समाप्त करना चाहिए, बड़ा दुखी होकर समाप्त कर रहा हूं, वो बोलते चलूं तो रात हो जाएगा।
सवै पुंसं परो धर्मो यतो भक्ति रधोखजे अहित की अप्रतिहता जय आत्मा सुप्रसीदति वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।